तो कैसे हैं आप सभी। आज हम हिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स को जो है वो एक बार देखेंगे, जो कि स्प्रिंग बोर्ड के नोट्सों से बनाए हुए हैं। और इसके अंदर ज़्यादा इजी इजी फैक्ट तो नहीं हैं, पर वो वाले फैक्ट हैं जिनमें बच्चे कंफ्यूजन होते हैं और जो याद नहीं रहते, और इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस भी जो है वो ज़्यादा रहते हैं। अगर आपने एक बार स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स को पढ़ा हुआ है, राजवीर सर से पढ़ा हुआ है, या तो ये नोट्स आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। ये एकदम शॉर्ट नोट्स है, लगभग 7 से 8 पेजेस के अंदर लगभग जितनी भी राजवंश वाली हिस्ट्री है वो कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगी। तो हम शुरू कर देते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम मेवाड़ के इतिहास से शुरू करते हैं, ठीक है, जिसमें गुहिल वंश जो कि 566 ईस्वी से रिलेटेड है। तो मैं पहले बता रहा हूँ, इसमें ज़्यादा ईजी फैक्ट यहाँ पर नहीं है, जो सबको आते हैं वैसे फैक्ट मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं, जिनमें हमें कन्फ्यूज़न होता है वही हमने इंक्लूड किए हैं शॉर्ट नोट्स के अंदर। तो सबसे पहले जो बप्पा रावल है, जिनकी उपाधियां हैं हिंदू सूरज, राजगुरु, चकवे, है ना, उसके बाद में चैत्र सिंह, जिन्होंने भूताला का युद्ध लड़ा था 1234 ईस्वी के अंदर, इनके सेनापति थे बालक और मदन। और दशरथ शर्मा ने जो है चैत्र सिंह के काल को स्वर्ण काल बताया है। उसके बाद में रतन सिंह, रतन सिंह के सेनापतियों के नाम है गोरा और बादल, ठीक है। अब इसमें वो सारी चीज़ें ऐड नहीं की है कि वो अलाउद्दीन वाला हमला और वो लगभग सबको आता ही है कि किसने जोहर किया था, कितने में, 1303 में, के एक में क्या हुआ था, जो वो सब आपको पता है। फिर हम्मीर, हम्मीर की उपाधियाँ है, देखो हम्मीर को मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। इसकी उपाधियाँ है विषम घाटी, वीर राजा, प्रबल हिंदू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यही आते हैं कि विषम घाटी पंचालन किसको कहा जाता है, या मेवाड़ का उद्धारक कौन था, तो ठीक है प्रबल हिंदू कौन था, या फिर हमीर की निम्न में से कौन सी उपाधि नहीं है, या फिर वो बप्पा रावल वाली डाल देते हैं या ऐसे, तो वहाँ पर वैसे कंफ्यूजन किया जाता है। फिर कुंभा और जोधा के मध्य आवल वावल की संधि हुई थी 1453 में। फिर चंपानेर की संधि 1456 के अंदर, इस ये महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह इन दोनों ने मिल के कुंभा के खिलाफ ये की थी। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि चंपानेर की संधि किस किस के मध्य हुई थी, तो उसके अंदर ये जो है महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह जो कि गुजरात का था, इनों के मध्य हुई थी कुंभा के खिलाफ। फिर बदनोर का युद्ध आ जाता है। उसके बाद में कुंभा को जो है स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि कुंभा ने सबसे अधिक महल, किले वगैरह और वो सब इमारतें वगैरह बनाई थी, तो इस वजह से कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। और कुंभा की उपाधियाँ हैं हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, राणा रासो, हाल गुरु, चाप गुरु, परम भागवत, आदिवरा, ये सारी के सारी कुंभा की उपाधियाँ हैं। तो आप एक उपाधियों वाला एक बार फिर से देख लीजिए। पप्पा राहुल की उपाधि है हिंदू सूरज, राजगुरु, चक्कुए, ठीक है। फिर हम्मीर की है विषम घाटी पंचानन, वीर राजा, प्रबल हिंदू। कुंभा की है हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, राणा रासो, हाल गुरु, चाप गुरु, परम भागवत, आदिवरा। उसके बाद में संग्राम सिंह और इब्राहिम लोदी, इनके मध्य युद्ध होते हैं, जिसके अंदर एक तो खातोली का युद्ध और एक बांडी का युद्ध 1517 और 1518, 1517 में खातोली का युद्ध, 1518 में बांडी का युद्ध। उसके बाद में 1519 के अंदर गागरौन का युद्ध होता है, जो कि महमूद खिलजी और संग्राम सिंह के मध्य होता है, ठीक है। तो ये युद्ध भी आप याद रखना, इनके क्रम पूछ लिए जाते हैं, पहले खातोली का है, फिर बांडी का है, और उसके बाद में गागरौन का है। फिर बयाना का युद्ध जो कि 16 फरवरी 1527 को हुआ था, ठीक है। इसमें जिस जो डेट्स मैंने लिखी है, हो सकते हैं तो आप वो डेट्स को याद कर लेना, बाकी डेट्स याद करना इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता है। तो खातोली का युद्ध, उसके बाद में बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527, ठीक है। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527, इनमें लगभग एक महीने का गैप है, तो आप याद रख सकते हैं, बट इनके क्रम याद रखना आप, और बेहतर होगा अगर आप इनके सन भी याद कर लेते हैं। तो खातोली, बांडी और गागरौन, फिर बयाना, खानवा, ठीक है। उसके बाद में और जो खानवा का युद्ध था 1527 का, इसके अंदर जो बाबर और सांगा के मध्य युद्ध हुआ था, पूछ लिया जाता है कि सांगा खानवा का युद्ध किस चीज़ के मध्य हुआ था, और इसमें जो सांगा के जो सेनापति थे उनका नाम था, और मतलब जो नेतृत्व किया था वो झाला अज्जा ने किया था, ठीक है। तो जब संग्राम सिंह घायल हो गए थे तो झाला अज्जा ने इनका नेतृत्व संभाला था। तो संग्राम सिंह की उपाधियां हैं हिंदू पद, सैनिकों का भग्नावशेष, ठीक है। तो ये भी याद रखना, हिंदू पद, सैनिकों का भग्नावशेष, क्योंकि उनके शरीर पर 80 घाव वगैरह थे, तो इसलिए उनको ये कहा जाता है।
फिर उसके बाद में विक्रमादित्य आ गया था, ठीक है, जिनकी संरक्षिका वो कर्मावती, जिनकी संरक्षिका थी। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि कर्मावती किसकी संरक्षिका थी, तो वो विक्रमादित्य की, ठीक है, विक्रमादित्य की संरक्षिका थी। फिर 1535 में बहादुर शाह ने जो आक्रमण किया था उस टाइम पे, दूसरा शाका हुआ था मेवाड़ का, है ना, 1535 के अंदर बहादुर शाह ने आक्रमण किया था, तो उस टाइम पे दूसरा शाका हुआ था। उसी टाइम पे कर्मावती ने जो है हुमायूं को राखी भेजी थी, पर वो हुमायूं टाइम पे आ नहीं पाया था इस वजह से। तो ये भी पूछते हैं कि किस मेवाड़ की किस रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी, तो कर्मावती आ जाएगा। पर कब भेजी थी, कौन से मेवाड़ के कौन से शाखे के अंदर, और ठीक है। तो फिर उसके बाद में देखो हुमायूं हो गया। फिर यहाँ पर बनवीर जो था वो उदय सिंह को मारना चाहता था, ठीक है, बनवीर सोनकर जो था वो उदय सिंह को मारना चाहता था, लेकिन पन्ना धाई ने अपने बेटे चंदन की बलि दे करके उदय सिंह को बचा लिया था। तो ये भी पूछते हैं कि पन्ना धाई ने किसकी बलि दी थी, तो चंदन की बलि दी थी, और किसको बचाया था, तो उदय सिंह को बचाया था, और किससे बचाया था, तो वो बनवीर से बचाया था, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना। फिर उसके बाद में 1568 के अंदर जो है वो 1568 में जो है वो अकबर ने आक्रमण कर दिया था। उस टाइम पे उदय सिंह यहाँ का राजा था। जयमल और पत्ता उस टाइम पे चित्तौड़ का जो तीसरा शाखा हुआ था उसके अंदर जयमल और पत्ता ने जो है वो कैसरिया किया था फिर, ठीक है। हाँ, और जयमल और पत्ता की जो मूर्तियाँ हैं वो आगरा के किले के अंदर, एक सेकेंड, तो जयमल और पत्ता की मूर्तियाँ जो है वो अकबर ने आगरा के किले के बाहर स्थापित करवाई थी। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसकी मूर्तियाँ आगरा के किले के बाहर है, तो जयमल और पत्ता की किसने लगवाई थी, अकबर ने, ठीक है। और जयमल और पत्ता की मूर्तियाँ जो है वो बीकानेर के किले के बाहर भी लगी हुई है। फिर महाराणा प्रताप आ जाते हैं 1572 से 97 के बीच में। महाराणा प्रताप को मनाने के लिए अकबर ने जो है वो 4 दूत भेजे थे। तो इसकी ऐसे ट्रिक याद कर सकते हो आप, जमा भाटो, जैसे जमा भाटो से भी आप इन सबको जो है वो याद रख सकते हो, जलाल खान, मान सिंह, भगवत दास और टोडरमल, ऐसे करके, है ना, तो आप उस हिसाब से याद रख सकते हो। फिर हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576, ये सबको याद है। इसका नेतृत्व किया था झाला मान, और या फिर इन्हीं को झाला बीदा भी कहते हैं और झाला मान भी कहते हैं। तो ये मैंने इसलिए डाल दिया कि पीछे वहाँ भी कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो जो यहाँ पे झाला अज्जा ने खानवा के युद्ध में, तो झाला अज्जा ने नेतृत्व किया था, और वहीं हल्दीघाटी के अंदर जो है वो झाला मान या झाला बीदा ने नेतृत्व किया था, ठीक है। फिर जो हल्दीघाटी का जो युद्ध था, इसके उपनाम कई बार पूछ लिए जाते हैं, किसने क्या रखा था, तो देखो अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा है, बदायूं था उसने गोगुंदा का युद्ध कहा है, और जेम्स टोड ने इसको मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है, ठीक है। थर्मोपल्ली किसने कहा है, जेम्स टोड ने, और एक बदायूनी ने क्या कहा है, गोगुंदा का युद्ध। अबुल फजल ने कहा है खमनोर का युद्ध। आदर्शी लाल ने कहा है बादशाह बाग का युद्ध। आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने क्या कहा है, बादशाह बाग का युद्ध। फिर दिवेर का युद्ध हो जाता है 1582 में, इसे मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है, ठीक है, दिवेर का युद्ध 1582 में। तो दिवेर के युद्ध का ही उपनाम है मेवाड़ का मैराथन। इसके अंदर सुल्तान खान मारा जाता है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन डीपली पूछे जाते हैं, कई कभी कभी अपन बोलते हैं कि हिस्ट्री टफ आ रही है, टफ आ रही है, तो वो क्वेश्चंस कई बार यहाँ से बन जाते हैं। और कई क्वेश्चन जो इजी आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, उनका यही रीज़न होता है कि हम इन वाले क्वेश्चंस को इतना ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ पाते हैं। तो दिवेर के युद्ध के अंदर कौन सा सेनापति मारा गया था, उसमें आ जाएगा सुल्तान खां मारा गया था, ठीक है। और माला सांधु और रामा सांधु ये महाराणा प्रताप के कवि थे। तो ये क्वेश्चन भी कभी आ जाएगा कि महाराणा प्रताप के दरबार में कौन से दो कवि थे, तो माला सांधु, रामा सांधु, उसके अंदर वो दूसरे ऑप्शन डाल देगा, जैसे पीछे जो भी थे, है ना, वो गोरा बादल और वो ऊपर जो जो उनके थे वो बालक और मदन और ऐसे कुछ करके ऑप्शन डाल देगा, तो वहाँ पर भी जो है कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो माला सांधु, रामा साधु ये कौन थे, तो ये कवि थे, ये महाराणा प्रताप के दरबार में थे, ठीक है। फिर अमर सिंह ने जो है संधि, अमर सिंह के टाइम पे जो है मुगल संधि हुई थी, ये फरवरी 1615 के अंदर संधि हो गई थी अमर सिंह के काल में, जहांगीर और ये थे, ठीक है। तो जहांगीर जो था, जहांगीर ने करण सिंह व अमर सिंह की मूर्तियां आगरे में लगवाई थी। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन है, पीछे अकबर ने जो है उनकी लगवाई थी आगरा के किले के बाहर, और यहाँ पर जो है वो जहांगीर लगा रहा है करण सिंह और अमर सिंह की आगरा के किले में, ठीक है। फिर
फिर जो मेवाड़ की संधि जिन्होंने करवाई थी उनके बीच में था हरिदास और शुभकर्ण। तो जो ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो मुगल मेवाड़ मुगल और मेवाड़ के बीच में जो मुगल संधि हुई थी उसका उसमें बीच में कौन था मेवाड़ की तरफ से, तो उसमें हरिदास और शुभकर्ण नामक दो व्यक्ति थे जिन्होंने संधि करवाई थी। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, हरिदास और शुभकर्ण। फिर उदयपुर के अंदर जगत सिंह आ जाता है, उसमें जगन्नाथ मंदिर जिसे सपनों का मंदिर कहा जाता है, तो पूछ लेगा कि जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया था, तो ये जगत सिंह ने बनवाया था जिसे सपनों का मंदिर कहते हैं। तो पूछ लेगा सपनों का मंदिर कहाँ है या इसका उपनाम क्या था, ठीक है। इसको बनवाया किसने था, मुकुंद माणा अर्जुन इसके वास्तुकार थे। तो सपनों के मंदिर या जगन्नाथ मंदिर के वास्तुकार कौन थे, तो मुकुंद माणा और अर्जुन, ठीक है, मुकुंद माणा और अर्जुन, ठीक है। उसके बाद में कुछ सिटीज़ है या कुछ जो ज़िले हैं उनके प्राचीन नाम, तो देखो उदयपुर का प्राचीन नाम था मोहम्मदाबाद, ठीक है, आमेर का प्राचीन नाम था मोमिनाबाद, जालौर का जलालाबाद, चित्तौड़ का खिजराबाद। तो ये वापस एक बार देख लीजिए, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि खिजराबाद चित्तौड़ का प्राचीन नाम था, जलालाबाद जालौर का प्राचीन नाम था, मोमिनाबाद आमेर का प्राचीन नाम था, और मोहम्मदाबाद उदयपुर का। इसमें ऊपर वाले दो थोड़े ज़्यादा याद रखना, मोमिनाबाद और मोहम्मदाबाद, क्योंकि ये ज़्यादा बार पूछे हुए नहीं हैं तो ये काफ़ी सारे लोगों को नहीं आते हैं, बाकी नीचे वाले दोनों तो आते हैं। तो मोहम्मदाबाद उदयपुर का प्राचीन नाम था, मोमिनाबाद आमेर का प्राचीन नाम था। फिर राज सिंह आ जाता है 1652 से 1680, जिसके मैंने सन लिखे हैं, तो हो सके तो आप भी याद करने की कोशिश करना, बाकी अगर याद नहीं होते हैं तो सन में इतना ज़्यादा लोड लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो राज सिंह के काल में जो है राठौड़ सिसोदिया गठबंधन हुआ था, पूछ लेंगे कि किस मेवाड़ राजा के काल में जो है राठौड़ सिसोदिया गठबंधन हुआ था, तो राज सिंह के काल में हुआ था। और राज सिंह की उपाधियाँ तो बहुत बार पूछी हुई है कि विजय कटकादू किसकी उपाधि है, तो ये राज सिंह की है, विजय कटकादू राज सिंह की उपाधि है, तो ये आप याद रखना कि राज सिंह को विजय कटकादू कहते हैं। और एक ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है कि हाइड्रोलिक रूलर किसका उपनाम है, तो ये भी राज सिंह की उपाधि है, तो ये क्वेश्चन भी पूछना, क्योंकि विजय कटकादू काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो हो सकता है कि हाइड्रोलिक रूलर भी पूछ लिया जाए, ठीक है। फिर अमर सिंह सेकंड, इसके समय में देवारी समझौता हुआ था, डेट याद रखना 1708, देवारी समझौता कब हुआ था, 1708 में हुआ था, किसने किया था, अमर सिंह सेकंड ने किया था, तो ये अमर सिंह फर्स्ट और अमर सिंह सेकंड में कन्फर्म मत हो जाना। अमर सिंह ने फर्स्ट ने तो जो है वो मेवाड़ मुगल संधि की थी, और यहाँ पर जो है वो अमर सिंह सेकंड था जिसने देवारी समझौता 1708 के अंदर किया था। इसके अंदर अमर सिंह और अजीत सिंह और जय सिंह, ये इन सब ने जो है वो बहादुर शाह प्रथम के खिलाफ, जिसे हम मुअज्जम भी कहते हैं, ठीक है, अमर सिंह अजीत सिंह और जय सिंह, इसमें मेवाड़ मारवाड़ और सारे के सारे ही हैं, ठीक है, इसमें मेवाड़ आ गया, मारवाड़ आ गया और डूंडाड़ जयपुर वाले भी आ गए, तो इसमें जय सिंह अजीत सिंह और अमर सिंह तीनों ने मिलके और बहादुर शाह प्रथम के खिलाफ, जो जिसे हम मुअज्जम के नाम से भी जानते हैं, उसके खिलाफ यह समझौता किया था। फिर संग्राम सिंह सेकंड, सहेलियों की बाड़ी, ये कई बार पूछा जा चुका है और कई बार हमेशा अधिकतर बच्चे गलत करते हैं इन क्वेश्चंस को। संग्राम सिंह सहेलियों की बाड़ी किसने बनाया था, तो ये संग्राम सिंह ने बनाया था, कि कहाँ बनाया था, उदयपुर। तो ये आप याद रखना कि ये क्वेश्चन दोनों ही पूछे जा चुके हैं, जगह भी और किसने बनाया था, दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और संग्राम सिंह के काल में ही प्रथम बार मराठों ने जो है वो राजस्थान से टैक्स लिया था या चोथ ली थी, जिसे हम करी कहते हैं, मराठों ने चोथ प्राप्त किया था। तो किस राजा के काल में, किस मेवाड़ शासक के काल में प्रथम बार चोथ लिया गया था, तो वो संग्राम सिंह हो जाता है, ठीक है। फिर जगत सिंह सेकंड आ जाता है, जगत सिंह सेकंड का काल तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बट ये डेट याद रखना 17 जुलाई 1734, जगत सिंह सेकंड की 17 जुलाई 1734 हुरड़ा सम्मेलन वाली ये डेट है। फिर ये गिंगोली का युद्ध जो कि नागौर में है, गिंगोली का युद्ध जो कि नागौर में हुआ था, गिंगोली का युद्ध जो कि जगत सिंह सेकंड के काल में हुआ था, ये 1807 के अंदर, ठीक है, गिंगोली का युद्ध 1807 में हुआ था, जो मतलब थोड़े टफ क्वेश्चन, युद्ध अगर कोई युद्ध की डेट पूछ लेता है तो वहाँ कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए गिंगोली का युद्ध 1807 के अंदर हुआ था, ठीक है। ये जगत सिंह सेकंड और जयपुर का जो राजा था मान सिंह उसके बीच में हुआ था, इसमें कृष्णा कुमारी विवाद था, ठीक है, वो कृष्णा कुमारी से रिलेटेड जो विवाद था वही हुआ था जगत सिंह और मान सिंह के बीच में, गिंगोली का युद्ध, ठीक है। इसमें पूछा है कि किस महिला के कारण हुआ था, तो उसमें कृष्णा कुमारी नाम है,
ये नाम भी याद रखना, कृष्णा कुमारी के चक्कर में गिंगोली का युद्ध हुआ था जो कि नागौर में है, जगत सिंह और मान सिंह के मध्य हुआ था, जयपुर वाला मान सिंह और ये जगत सिंह के मध्य। ये 13 जनवरी 1818 को जो भीम सिंह के समय अंग्रेजों से संधि कर ली थी। तो इसमें दो चीज़ें याद रखना, एक तो मुगल जगत सिंह जिसने जो है वो सॉरी एक सेकेंड एक तो दो आपको अमर सिंह ने तो जो है वो मुगल मेवाड़ संधि हुई थी अमर सिंह के काल में, तो और भीम सिंह के काल में अंग्रेजों से संधि हुई थी। तो दोनों चीज़ें आप याद रखना, ठीक है। 1818 में भीम सिंह ने जो है अंग्रेजों से संधि कर ली थी। तो ये मेवाड़ लगभग अपना कंप्लीट हो चुका है, 15 मिनट के अंदर अपन ने जो है वो मेवाड़ को रिवीजन कर लिया है। अगर आपको मेरी स्पीड स्लो लगती है तो आप इसको स्पीड में करके देख सकते हैं, अगर आपको फास्ट लगती है तो आप इसको थोड़ा स्लो करके देख लीजिएगा, और इसको सुन के भी चले जाएंगे आप 2-3 बार, थोड़ा सा आप खुद की नज़रों से इसको पढ़े भी और इसको जो है वो सुने भी, ऑडियो को 2-3 बार 4 बार आप इसको सुने जब भी टाइम मिले, तो आपको लगभग हिस्ट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी और लगभग सारे क्वेश्चंस जो है आपके डाउट या कन्फ्यूज़न वाले हैं वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। फिर अब हम मारवाड़ की हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, मारवाड़ में जो भी राजवंश थे उनसे रिलेटेड प्रमुख घटनाएँ हम इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले राव सिहा 1240 के अंदर जो है इन्होंने मेवाड़ के अंदर आए थे। ये तो कोई पूछे कि मेवाड़ में राठौड़ वंश की नींव किसने रखी, तो वो राव सिहा ने रखी थी। इन्होंने जो है वो दुहड़ में नागनेची माता का मंदिर बनवाया था, ठीक है। और नागनेची माता का मंदिर तो राव सिहा ने 1240 के अंदर मारवाड़ में राठौड़ वंश की नींव रखी थी, और इन्होंने दुहड़ के अंदर नागनेची जो दुहड़ था उसने जो है वो नागनेची माता का मंदिर बनवाया था जो कि बाड़मेर में है, नगाना बाड़मेर के अंदर। तो पूछेगा कि नागनेची माता का मंदिर बाड़मेर में किसने बनवाया था, तो दुहड़ ने, राव दुहड़ ने, या फिर नागनेची माता का मंदिर कहाँ पर है, तो बाड़मेर में है। फिर राव चुंडा ने जो है मंडोर को राजधानी बनाया था। इसको इम्पोर्टेंट करना कि मंडोर को राजधानी किसने बनाया था, तो राव चुंडा ने बनाया था, ठीक है। फिर जोधा जो है वो मारवाड़ का प्रथम प्रतापी राजा था, तो जिसने जोधपुर की स्थापना की थी, ये तो सभी को पता है कि जोधपुर का प्रतापी राजा जोधा था। फिर जो मालदेव था, मालदेव के समय गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, गिरी सुमेल का युद्ध मालदेव ने जो है वो शेरशाह सूरी के खिलाफ किया था, तो 1544, जो कि आपको पता ही है कि 1544 के आसपास शेरशाह का शासन था, और इसी के अंदर उन्होंने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए बादशाह हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। तो गिरी सुमेल का युद्ध 1544 के अंदर शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य हुआ था, जिसमें मालदेव की तरफ से जो सेनापति थे वो जेता और कुंपा थे। तो मालदेव के सेनापति कौन थे, जेता और कुंपा। ये क्वेश्चन भी कई बार, क्योंकि आपने देखा कि कई सारे राजाओं के जो है वो दो दो सेनापति यहाँ पर हो चुके हैं, जैसे घोरा बादल, जेता कुंपा वगैरह। और इसमें जो शेरशाह की तरफ से लड़े थे वो कल्याणमल बीकानेर का था और वीरमदेव जो नागौर से था। तो ये भी याद रखना कि गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह के समर्थन में कौन से राजा थे, तो राजस्थान के दो राजा कल्याणमल और वीरमदेव जो कि नागौर और बीकानेर से थे, ये शेरशाह की तरफ से लड़े थे। तो ये किसके खिलाफ लड़े थे, तो ये मालदेव के खिलाफ लड़े थे, तो ये भी आप याद रखना। तो जो मालदेव की उपाधि थी उसमें हिंदू बादशाह हशमत वाला राजा, तो मालदेव की उपाधि कौन सी थी, हशमत वाला राजा। ये सबसे तो सबको पता है जो मूछ वाला और हशमत वाला राजा, लेकिन हिंदू बादशाह ये आप याद रखना, क्योंकि देखो काफ़ी सारे राजाओं की सेम सेम सी उपाधियाँ हो गई है, हिंदू सुल्तान और ऐसी हिंदू पत, और ये तो इससे रिलेटेड आप इन उपाधियों को जो है वो एक जगह लिखना सबको, और वहाँ से जो है आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा किसकी क्या थी। फिर चंद्रसेन आ जाता है, अकबर के जो सेनापति थे हुसैन हुसैन कुली बेग, जिसने जो है जोधपुर पे आक्रमण कर दिया था। तो पूछेगा कि चंद्रसेन के खिलाफ जो है वो अकबर के किस सेनापति ने आक्रमण कर दिया था, तो हुसैन कुली बेग ने आक्रमण कर दिया था जोधपुर के ऊपर। तो यहाँ से चंद्रसेन जो है वो भाग करके जालौर भद्राजून जालौर चला गया था। तो पूछेंगे कि हुसैन कुली बेग के आक्रमण के समय चंद्रसेन भाग कर कहाँ चला गया था, तो ये भद्राजून जालौर में चला गया था। भद्राजून जगह का नाम याद रखना, ये भी पूछी गई है। फिर 1570 के अंदर अकबर ने जो है नागौर दरबार लगाया था, तो ये डेट याद रखना कि अकबर का नागौर दरबार कब लगा था, 1570 के अंदर। इसके अंदर चंद्रसेन शामिल नहीं हुआ था, तो वहाँ ऑप्शंस में देते हैं कि निम्न में से कौन अकबर नागौर दरबार में शामिल नहीं हुआ था, तो वहाँ पर चंद्रसेन का नाम आ जाएगा, या फिर बिना मिले लौट गया था तो वो चंद्रसेन था, क्योंकि इसने कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। फिर
81 के अंदर जो सारण की पहाड़ियों में जो है वो चंद्रसेन की मृत्यु हो गई थी, 1581 के अंदर सारण की पहाड़ियों में मृत्यु हो गई थी। क्योंकि देखो महाराणा प्रताप के बारे में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए, तो हो सकता है कि चंद्रसेन के बारे में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ ले। फिर जो इसकी उपाधियां हैं ये है मारवाड़ का प्रताप, क्योंकि आपको पता है कि मेवाड़ में प्रताप ने भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, तो यहीं मारवाड़ में भी इसकी जो अधीनता स्वीकार नहीं की गई थी। फिर प्रताप का अग्रगामी या मार्गदर्शक, ठीक है, तो ये भी इसकी उपाधि है। और इसको भूला बिसरा राजा भी कहते हैं। इसके जो साथी थे, तो इसके साथी या सहायक या जो भी कह दो, तो इसके साथी थे देवी दास, सुखराज और सूजा। तो देवी दास, सुखराज, सूजा किसके साथी थे? तो ये चंद्रसेन के साथी थे, या फिर किसके सहयोगी थे? तो चंद्रसेन के। तो ये नाम याद रखना, देवी दास, सुखराज और सूजा, ठीक है। फिर 1570 के अंदर जो नागौर दरबार लगा था, उसी के अंदर ये बात हुई थी कि ये अकाल राहत कार्यों के लिए बिठाया गया है, और इसके अंदर जो है वो जो भी अकाल राहत के कार्य किए जाएंगे वो करेंगे। तो इसके अंदर जो शुक्र तालाब का निर्माण अकबर ने किया था, ठीक है, तो ये याद रखना कि अकाल राहत के अंदर अकबर ने किस चीज़ का निर्माण किया था, वो शुक्र तालाब का निर्माण कर रहा था, और किसने किया था? अकबर ने। और फिर मोटा राजा उदय सिंह आ जाता है। तो मोटा राजा उदय सिंह जो कि प्रथम मारवाड़ का राजा था जिसने अधीनता स्वीकार की थी। तो मेवाड़ के अंदर तो अपन ने देखा कि जो वो अमर सिंह था उसने की थी, और मारवाड़ के अंदर जो है वो मोटा राजा उदय सिंह है। तो इनको भी आप ऐसे याद रख सकते हो रिलेट करके कि कहाँ पे किसने की थी, जैसे ढूंढाड़ के अंदर वो मान सिंह, भगवंत सिंह और उन्होंने की थी। तो ऐसे ही ऐसे वो चीज़ आप यहाँ पर फर्स्ट राजा का नाम याद रख लेना, अधीनता स्वीकार की थी। और मानीबाई, जिसे हम जोधाबाई के नाम से जानते, इसकी शादी जहांगीर से कर दी थी। तो मानीबाई की शादी जहांगीर से हुई थी, ठीक है। मानीबाई को ही हम जो है वो जोधाबाई के नाम से जानते हैं। और आजकल सीरियल के अंदर कई कई जगह पर दिखाया जाता है कि जोधा अकबर, और ऐसी मूवी भी जोधा अकबर वगैरह आई हुई है। तो वो जोधा और अकबर का कोई रिलेशन नहीं था, वो जहांगीर और जोधा का था, या मानीबाई की ही उपाधि थी। और जिसकी एक और उपाधि थी जगत गोसाई, तो ये भी याद रखना कि जगत गोसाई मानीबाई की उपाधि थी या जोधाबाई की उपाधि थी? जगत गोसाई। तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जगत गोसाई किसकी उपाधि थी, या मानीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? तो इन दोनों का जो बेटा था उसका नाम था खुर्रम खां। खुर्रम खां को ही हम जो है वो इतिहास में शाहजहाँ के नाम से पढ़ते हैं। तो खुर्रम खां जगत गोसाई और मानीबाई या जोधाबाई का बेटा था। फिर 1589 के अंदर अकबर ने जो है वो सिवाना पर आक्रमण कर दिया था। 1589 ने अकबर 89 में अकबर का जो है वो सिवाना पर आक्रमण हुआ था। तो इसमें जो तो देखो अकबर ने 1589 के अंदर सिवाना के ऊपर आक्रमण कर दिया था, जिसके अंदर कल्ला राय मलोत ने कैसरिया किया था, और बहन कंवर ने जो है वो साका जौहर किया था। तो ये भी याद रखना कि अकबर के 1589 में अकबर ने जो साका किया था उसमें किसने कैसरिया किया था? तो कल्ला राय मलोत ने। क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट तो है बट पूछे कम जाते हैं, तो जब ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो लगभग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, या गलत कर आते हैं, या इसको छोड़ के आ जाते हैं। तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर आप इनको इन चीज़ों को भी अच्छे से पढ़ें, क्योंकि बाकी ईजी क्वेश्चन आते हैं तो फिर वो लगभग सभी के सही हो ही जाते हैं। बट ये क्वेश्चन वो है जो आपको लोगों से थोड़ा सा दो कदम आगे बढ़ा देंगे। अगर आप इसमें से एक क्वेश्चन भी आता है और आप सही कर जाते हैं तो आप काफ़ी रेस में आगे हो जाएंगे। तो इसी जो है वो सिवाना का दूसरा शाखा कहते हैं, ठीक है, और यही राजस्थान का अंतिम शाखा है 1589 के अंदर, क्योंकि फिर 1800 के लगभग तो जो है वो अंग्रेज़ों ने संध्या वगैरह कर ली थी, तो फिर आक्रमण भी इतने हुए नहीं। फिर जो गज सिंह है, तो गज सिंह को जहांगीर ने दल थंबन की उपाधि थी। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जब आता है तो लगभग सभी बच्चे, बहुत अधिकतर बच्चे गलत करके आते हैं, जिनका पढ़ा हुआ नहीं होता है अधिकतर गलत करते हैं, और ये कई बार पूछ लिया गया है हाल ही में, 2-3 एग्जाम्स के अंदर तो ये ज़्यादा ही पूछा गया है कि गज सिंह को दल थंबन की उपाधि किसने दी थी। तो जहांगीर ने दी थी, और जहांगीर ने किसको दल थंबन की उपाधि दी थी? तो गज सिंह को दी थी। और जहांगीर ने गज सिंह को कौन सी उपाधि दी थी? तो दल थंबन। ये तीनों क्वेश्चन का मतलब ये घुमा फिरा के तीनों ही क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं अभी, तो आप इसको याद रखें अच्छे से। फिर अमर सिंह था, इसे कटार का धनी कहते हैं, और वो जो मथिरे की राड वगैरह वो हुई थी, तो वो तो आपको पता ही है। इसकी जो अमर सिंह की छतरी है वो 16 खंभों की छतरी है, जो कि नागौर के अंदर है। तो अमर सिंह नागौर का ही था, तो वहीं इसकी छतरी है और 16 खंभों की छतरी है, ठीक है। फिर जसवंत सिंह जो कि 11 वर्ष की उम्र में राजा बन गया था, तो इनके जो संरक्षक थे वो राज सिंह कुंपावत थे। तो ये भी याद रखना कि जसवंत सिंह का संरक्षक कौन था, तो राज सिंह कुंपावत थे। तो ये 2-3 के संरक्षक भी आप याद रखना, जो मैंने पीछे बताए थे वो भी याद रखना। तो जसवंत सिंह का संरक्षक कौन था? राज सिंह कुंपावत था, ठीक है।
और जो हार्डी रानी जसवंत दे थी, इसने जो है वो दरवाज़ा बंद कर लिया था, क्योंकि जसवंत सिंह जो था वो जब वहाँ पर मुगलों के अंदर जो अपने आपसी भाई भाई का विवाद हो रहा था उस टाइम पे ये युद्ध से लौट आया था, इस कारण से जो है वो जसवंत सिंह ये जो जसवंत दे थी जो कि जसवंत सिंह की हार्डी रानी थी, इन्होंने जो है वो दरवाजे बंद कर दिए थे, फिर ये वापस युद्ध में गया था, ठीक है। और 1678 के अंदर अफगानिस्तान में इसकी मृत्यु हो गई थी, तो क्योंकि इसको औरंगजेब वगैरह ने वहाँ भेजा था युद्ध के लिए, तो औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया, ठीक है। तो आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया, ये किसने कहा था, औरंगजेब ने कहा था, किसके लिए कहा था ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जसवंत सिंह के लिए कहा था, ठीक है, क्योंकि ये भी जो है औरंगजेब की हर काम के अंदर जो है टांग अड़ाता था और उसको काम नहीं करने देता था, तो इस वजह से उसने कहा था, ठीक है। फिर जसवंत सिंह की जो बुक्स है वो आप याद रखना, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आनंद विलास भाषा भूषण प्रबोध चंद्रोदय अप्रोक्ष सिद्धांत सार, ठीक है। तो ये कुछ बुक्स है, इनके नाम भी थोड़े यूनिक हैं और पूछे भी जाते हैं, इसीलिए आप ये याद रखना, जसवंत सिंह की जो बुक थी वो किस कौन कौन सी थी, या निम्न में से कौन सी बुक जसवंत सिंह की नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बनेगा, या फिर आनंद विलास भाषा भूषण ये किसकी बुकें थी, या फिर दो तीन बुक्स में से नाम देके पूछ लिया जाएगा। तो देखो, आनंद विलास भाषा भूषण प्रबोध चंद्रोदय अप्रोक्ष सिद्धांत सार, आनंद विलास भाषा भूषण प्रबोध चंद्रोदय अप्रोक्ष सिद्धांत सार, ये जसवंत सिंह की बुक थी। और देखो, जब मैं किसी क्वेश्चन को 2 या 3 बार रिपीट करता हूँ, तो प्लीज़ आप भी उसको रिपीट करें, मन ही मन में रिपीट करें, और 2-3 बार जब आप इनको बोल देते हो ना, तो फिर आपको ये चीज़ आपके माइंड में हो जाती है और क्वेश्चन आता है तो अपना MCQ से सॉल्व कर देते हैं। तो जसवंत सिंह की बुक्स के नाम है आनंद विलास भाषा भूषण प्रबोध चंद्रोदय अप्रोक्ष सिद्धांत सार, ठीक है। तो आप भी एक बार इसको रिपीट करें। फिर जोधपुर के अंदर अनार की जो खेती थी वो जसवंत सिंह के समय ही शुरू हुई थी, ये तो क्या ठीक है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन, इस नोट्स में लिखा हुआ था ये पूरी की पूरी। देखो, नोट्स जो है वो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स से, जो हैंड रिटन क्लासरूम नोट्स होते हैं उसी का शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, तो आप इसको एक बार सीरियस लेके 2-3 बार अच्छे से सुने, ठीक है। फिर कल्याण सागर कुंड जो कि रातानाड़ा के अंदर है, तो ये जसवंत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, कल्याण सागर कुंड जो कि रातानाड़ा में है, तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा। मुनोत नैणसी ने जो है वो नैणसी की ख्यात लिखी थी जसवंत सिंह के समय, जो कि राजस्थान की पहली ख्यात थी, तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान की पहली ख्यात तो नैणसी की ख्यात किसने लिखी, नैणसी ने लिखी, तो मुनोत नैणसी ने लिखी नैणसी की ख्यात, तो ये राजस्थान की पहली ख्यात है, और इसे मारवाड़ का गजट कहा जाता है क्योंकि इसमें जनगणना के बारे में बताया गया। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, किस जो है मारवाड़ की जनगणना के बारे में किस में मिलता है, तो ये नैणसी की ख्यात के अंदर हमें मिलता है। जो मुंशी देवी प्रसाद थे, इन्होंने मुणोत राजपूताने का मुणोत जो है वो अबुल फजल को कहा था। हाँ, उसके बाद में जो अजीत सिंह आ जाता है, तो यहाँ याद रखना कि अजीत सिंह की उपाधि नहीं है दल थम्बन, ठीक है, अजीत सिंह तथा दल थम्बन ये इसका नाम ही है। औरंगजेब ने जो है वो दिल्ली में रूप सिंह राठौड़ की हवेली के अंदर इसको नज़रबंद कर दिया था, तो इसी का नाम है अजीत सिंह और दल थम्बन, इसको उपाधि नहीं दी थी, ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखना कि एक वहाँ पर उसकी उपाधि थी गज सिंह की और यहाँ पर अजीत सिंह का नाम था, तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, ये आप ज़रूर याद रखना, इसीलिए बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा यहाँ पे, अगर पूछा जाएगा कि रूप सिंह राठौड़ की हवेली में किसको बंद कर दिया था, तो वहाँ पर अजीत सिंह या दल थम्बन जो भी दिखे, तो आप वहाँ पे अजीत सिंह टिक कर देना, और पूछेगा किसने किया था, तो औरंगजेब भी करता है ऐसे उल्टे सीधे काम, तो फिर अजीत सिंह, हाँ तो अजीत सिंह जो थे, तो अजीत सिंह को जो है दुर्गादास मारवाड़ ले गए, है ना, तो अजीत सिंह को जो वो मेवाड़ वाले जो अजीत सिंह थे उनको ये मारवाड़ ले गए, और गोरा भी मुकुंद की सहायता से लेके गए थे। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि अजीत सिंह को मारवाड़ किसकी सहायता से लेके गए, तो गोरा और मुकुंद खींची की सहायता से लेके गए, और जो मारवाड़ की पन्नादाय, गोरा को क्या कहा जाता है, मारवाड़ की पन्नादाय, तो पूछते हैं कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये तो नॉर्मल हो गया कि मारवाड़ की पन्नादाय कौन है, गोरा, तो जो गोरा का नाम है वो मारवाड़ का जो राष्ट्रगान है धूसो उसके अंदर आता है, तो ये मारवाड़ के राष्ट्रगान के अंदर धूसो, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि मारवाड़ का राष्ट्रगान कौन सा है, धूसो है, या धूसो के अंदर किसका नाम आता है, तो गोरा का नाम आएगा, वहाँ पर किसी राजा का नाम नहीं है, वहाँ पर गोरा का नाम आएगा। फिर जो कालिंद्री में, कालिंद्री सिरोही के अंदर जगदेव पुरोहित के घर पर अजीत सिंह को रखा गया था, तो कालिंद्री सिरोही के अंदर अजीत सिंह को
जगदेव पुरोहित के घर पे रखा गया था। तो ये नाम याद रखना, जगदेव पुरोहित, इनके घर पे इनको रखा गया था। कहाँ पर? जगह है कालिंद्री सिरोही के अंदर। फिर वो 1680 के अंदर देवारी युद्ध हुआ था, समझौता अलग हुआ था देवारी का और युद्ध अलग हुआ था। देवारी समझौता जो अपन ने पीछे पढ़ा था मेवाड़ के अंदर 1708 में हुआ था, लेकिन देवारी का युद्ध युद्ध पहले हुआ था और जो है समझौता बाद में हुआ था। तो ये भी आप याद रखना कि देवारी युद्ध 1680 में हुआ था, है ना। इसके अंदर जो है वो मेवाड़ और मारवाड़ की संयुक्त सेना को जो है औरंगजेब ने हरा दिया था। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि मेवाड़ और मारवाड़ की संयुक्त सेना को किसने हराया था या कब हराया था, तो देवारी युद्ध के अंदर 1680 के अंदर हराया था। देवारी समझौता 1608 में मैंने वापस लिख दिया है ताकि आपको रिविज़न अच्छे से कर सको। फिर इंद्र कंवर जो थी वो अंतिम हिंदू रानी थी जिसका विवाह जो है मुगलों के साथ हुआ था। तो ये इंद्र कंवर अंतिम हिंदू रानी थी, तो ये तो क्या ही पूछेगा, ठीक है। लेकिन फिर इनकी जो बुक्स हैं वो कौन कौन सी हैं, इनकी किताबें हैं दुर्गा पाठ भाषा, निर्वाण रा दोहा, ठीक है। तो ये अपन अजीत सिंह की जो किताबें पढ़ रहे हैं, तो अजीत सिंह की किताबें हैं दुर्गा पाठ भाषा, निर्वाण रा दोहा, ठीक है। तो दुर्गा पाठ भाषा, निर्वाण रा दोहा, एक बार आप भी रिपीट करें किताबों के नाम और उपाधियों के नाम। ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो चीज़ें होती है, किताबें और इनकी उपाधि, और इन्होंने मतलब कुछ निर्माण किया हो तो वो चीज़ें, ठीक है। फिर जो दुर्गादास का जो अजीत सिंह को लेके अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए जो भी संघर्ष था उसे हम 30 वर्षीय संघर्ष कहते हैं, है ना। यही था 30 वर्षीय संघर्ष, पूछ लिया जाता है कई बार 30 वर्षीय संघर्ष कौन सा। तो ये अजीत सिंह को राजा बनाने के, दुर्गादास ने किया था अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए, यही 30 वर्षीय संघर्ष था, ठीक है। और इनकी उपाधियाँ थी दुर्गादास की, इसको दुर्गादास की जो उपाधियाँ थी, है ना। अब हम दुर्गादास की बात करें तो दुर्गादास की उपाधियाँ थी राठौड़ों का यूनिसेफ, राजपूतेने का गेरी बाल्डी, ठीक है, मारवाड़ का अणबिनिया मोती। तो ये दुर्गादास राठौड़ की उपाधियाँ थी, राठौड़ों का यूनिसेफ, राजपूतेने का गेरी बाल्डी, मारवाड़ का अणबिनिया मोती। तो ये आप याद रखें, ठीक है। फिर जोधपुर में एक मानसिंह था, ठीक है, एक जयपुर में मानसिंह अलग था, एक जोधपुर में मानसिंह अलग था। तो जोधपुर के अंदर महामंदिर वे ना महामंदिर बनवाया था और नाथ चरित्र बुक इन्होंने लिखी थी। तो मानसिंह ने जोधपुर के अंदर महामंदिर वे नाथ चरित्र बुक लिखी थी, ठीक है। तो याद रखना कि जोधपुर में महामंदिर किसने बनाया था, तो ये मानसिंह ने, और नाथ चरित्र बुक किसने लिखी थी, तो ये भी मानसिंह ने, ठीक है। मारवाड़ का सन्यासी राजा इसको कहते हैं, मानसिंह को मारवाड़ का सन्यासी राजा कहते हैं, और 1818 में अंग्रेज़ों से संधि कर लेता है। तो हम पर ने देखा कि मुगलों से संधि कौन करता है और अंग्रेज़ों से संधि कौन करता है, तो दोनों भीम सिंह और यहाँ पर मानसिंह, तो दोनों चीज़ें वो है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो वहाँ पर मेवाड़ में जो है वो भीम सिंह करता है, यहाँ पर अंग्रेज़ों से संधि कौन करता है, ये मानसिंह यहाँ पे कर लेता है। और मुगलों से यहाँ पर कौन करता है, तो मोटा राजा उदय सिंह, और मेवाड़ के अंदर कौन करता है, तो वो अमर सिंह। उसके बाद में संधि के बाद में 1832 में जो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अजमेर दरबार का बहिष्कार कर दिया था, और 56वां काल पड़ा था ये, तो ठीक है। फिर देखो अपन ने मेवाड़ पढ़ा, मारवाड़ पढ़ा, अब हम बीकानेर पढ़ेंगे। मोटे मोटे जो थे, मेन मोटा था जो मेवाड़ था और मेन मोटा जो था मारवाड़ था। तो ये अपन ने लगभग 15-15 मिनट के अंदर दोनों को कंप्लीट कर लिया है, और अब हम बीकानेर, जयपुर और ये दो तीन और पढ़ेंगे। तो देखो ये मेरा प्रथम प्रयास है कि मैं जो है स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के जो है क्लासरूम नोट्स हैं उनके शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो के अंदर कुछ भी कमी लगती है, कुछ भी आपको मेरी गलतियाँ लगती है, कुछ भी मिस्टेक्स लगती है, या जिसे मैं सुधार कर और अच्छा कर सकता हूँ, तो आप उसको प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मैं उसको सुधारने की या उसको और बेहतर करने की प्रयास करूँगा और आपके सामने लेके आऊँगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसी तरह से जो है वो लगभग मैंने सोचा तो है कि अभी मैं हिस्ट्री के ये वाले राजवंश वाला टॉपिक आपको दे रहा हूँ, उसके बाद में मैं जो है वो इसका मॉडर्न वाला जो आंदोलन वगैरह है ना, किसान आंदोलन, प्रजामंडल और वो सब एकीकरण वगैरह वाला टॉपिक दे दूंगा, और एक वीडियो में मैं जो आपको प्राचीन जिसमें वो सभ्यता वगैरह है 15-20 मिनट में वो सारी की सारी शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ऐसे ही मैं जियोग्राफी का करवाना चाह रहा हूँ, ऐसे ही मैं पॉलिटी का करवाना चाह रहा हूँ, और ऐसे ही मैं आर्ट एंड कल्चर का जो भी स्प्रिंग बोर्ड के क्लासरूम नोट्स है उसके शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर आपको अच्छे लगते हैं, अगर आप इस पर अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, तो मुझे बताएं, और जो भी कमी आपको लगती है तो प्लीज़ आप हमारे साथ शेयर करें। अगर देखो आपको पसंद आता है तो आप और लोगों से कहिए इसको देखने के लिए, और अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है, कुछ कमियां लग रही है, तो आप मुझे कहिए, तो उसका जो भी सुधार हम करेंगे। इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से PDF भी मिल जाएगी आपको।
बट पीडीएफ तो आप खुद की बना लेना, क्योंकि इसमें ना तो राइटिंग अच्छी है, तो जल्दबाजी में बनाए हुए नोट्स हैं रीड्स के टाइम के, तो मैंने सोचा कि ये मैटर आप लोगों को भी दे दिया जाए। ठीक है, तो अब बीकानेर के जो राठौड़ों की हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो राव बीकानेर 1488 के अंदर बीकानेर की स्थापना की थी, और दिन था शनिवार का। आखातीज को जो है बीकानेर का बीकानेर दिवस मनाया जाता है। तो पूछ लिया जाएगा कि आखातीज को किस जिले का दिवस मनाया जाता है, तो बीकानेर का, जो कि शनिवार को इसकी स्थापना हुई थी। राव बीकानेर किया था, वो तो नाम से ही दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो बीटू सूजा ने लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा है। तो ये देखें आप, बीटू सूजा ने लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा है। तो कलयुग का कर्ण लूणकरण है। ठीक है, कलयुग का कर्ण लूणकरण है। और ठीक है, फिर जो जेएससी था, इसके समय रातिघाटी का युद्ध हुआ था हुमायूं के भाई कामरान। ठीक है, जेएससी के समय रातिघाटी का युद्ध हुआ था। तो ये जेतसी वर्सेस हुमायूं का भाई कामरान, इसके मध्य युद्ध हुआ था। तो पूछ लिया जाएगा कि 1500, क्योंकि क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है कि थोड़ा यूनिक लगा, कई सारे बच्चों को ये क्वेश्चन आता नहीं है, याद नहीं रहता, मतलब रातिघाटी का युद्ध भी नहीं सुना होता कई लोगों का। तो ये 1534 में हुआ था, और जेतसी के सामने था जो हुमायूं का भाई कामरान था। ठीक है, फिर राय सिंह आ जाता है। उसके बाद में जो राय सिंह था, उसको पहले 4000 का मनसबदार था, उसके बाद में जहांगीर ने मनसबदार को बढ़ाकर 5000 कर लिया था। ये क्वेश्चन भी पुराने हैं, तो आप इनको भी एक बार अच्छे से देखें, क्योंकि इसमें लगभग मैंने अधिकतर वैसे क्वेश्चन डाले हैं जो या तो पूछे हुए हैं, जिसमें बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं वो, या फिर जो आगे टफ क्वेश्चन बन सकते हैं उस लेवल पर। ठीक है, तो 1577 में अकबर ने जो है वो 51 परगने राय सिंह को दिए थे। तो अकबर ने राय सिंह को कितने परगने दिए थे? 51। ऐसा कोई क्वेश्चन एक पीछे भी पूछा था, जिसमें लगभग सब बच्चे कंफ्यूज हो गए थे और लगभग टीचर्स भी कंफ्यूज ही थे। तो ऐसे क्वेश्चन यूनिक है, तो ये आप देख सकते हैं कि राय सिंह को जो है, पहली बात तो कि किसने दिए थे, तो अकबर ने दिए थे। किसको दिए थे? राय सिंह को दिए थे। कितने परगने दिए थे? तो 51 परगने दिए थे। तो फिर और राय सिंह को जो है वो जहांगीर ने आगरा की जिम्मेदारी दी थी। तो जहांगीर ने दी थी आगरा की जिम्मेदारी, ये भी याद रखें। फिर करमचंद पवार की देखरेख में बीकानेर दुर्ग का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो बीकानेर दुर्ग का निर्माण किसकी देखरेख में हुआ था? तो करमचंद पवार की देखरेख में हुआ था। और राय सिंह की बुक्स है वेधव वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला, बाल बोधिनी। ठीक है, तो ये भी बुक्स पूछी हुई है, इसीलिए मैंने डाली है। वेधव वंशावली राय सिंह की बुक है, वेधक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला, बाल बोधिनी। तो आप इनको 2-3 बार एक बार रिपीट करें वीडियो को पोस्ट करके, वेधक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला, बाल बोधिनी। फिर मुंशी देवी प्रसाद ने जो है राजपूताने का कर्ण राय सिंह को कहा है। राजपूताने का कर्ण राय सिंह को किसने कहा है? तो ये देवी प्रसाद ने कहा है, मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा है। और बीटू सूजा ने लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा है। दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, आप दोनों चीज़ों में कंफ्यूज मत हो जाना। बीटू सूजा ने तो लूणकरण को जो है वो कलयुग का कर्ण कहा था, और देवी प्रसाद ने जो है राजपूताने का कर्ण राय सिंह को कहा है। और इसको जो जयसोम किताब के अंदर राजेंद्र कहा है। तो राजेंद्र किसकी उपाधि थी? तो राय सिंह की थी। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, राजेंद्र किसकी उपाधि थी? राय सिंह की। और कौन सी बुक में राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है? तो जयसोम में ये भी पीछे पूछा हुआ है कि किस कौन सी किताब के अंदर राय सिंह को राजेंद्र की उपाधि से सम्मानित किया गया है या संबोधित किया गया है, तो वो जयसोम बुक थी। फिर पृथ्वीराज राठौड़ जो अकबर ने जो है उसको गागरौन का किला सौंपा था पृथ्वीराज राठौड़ को। तो गागरौन के अंदर जो है वो किस राजा को अकबर ने सौंपा था? तो ये पृथ्वीराज राठौड़ को सौंपा था। इस पृथ्वीराज राठौड़ ने जो है वो गागरौन के किले में ही बैठ करके वेली कृष्ण रुक्मणी जो किताब है उसको वहीं पर लिखा था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, कि पहली बात तो ये कि वेली कृष्ण रुक्मणी किसकी रचना है? तो पृथ्वीराज राठौड़ की है, और इसी को पांचवा वेद व 19वां पुराण कहते हैं। ठीक है, दुर्सा आडा ने कहा है इसको पांचवा वेद और 19वां पुराण। इसके अंदर जो है वो 10,000 घोड़ों की ताकत है, ये किसने कहा है? ये जेम्स टोड ने कहा है। किस किताब के लिए? वेली कृष्ण रुक्मणी जो कि पृथ्वीराज राठौड़ की है, इसको पांचवा वेद 19वां पुराण, ये तो दुर्सा आडा ने कहा है। और जेम्स टोड ने इसको कहा है कि वेली कृष्ण रुक्मणी में 10,000 घोड़ों की ताकत है।
ठीक है। और इसके अलावा इनकी बुक्स है गंगा लहरी, ठीक है, गंगा लहरी और दशरथ वराउत, ठीक है। ये बुक भी मेरे ये नोट्स पढ़े हुए हैं, मेरे खुद के बनाए हुए हैं, बट मैं खुद ये इनके दशरथ वराउत बुक अभी तक अब जाके मेरे माइंड में आई है कि इनोखी ही बुक है ये, वरना मुझे पता नहीं था कि ये ऐसी कोई बुक भी इन्होंने लिखी है, गंगा लहरी दशरथ वराउत, ठीक है। और उसके अलावा जो LP टेस्टी तोरी, जो कि राजस्थानी के वो इतिहासकार वगैरह थे, इस रिसर्च कर रहे थे, LP टेस्टी तोरी ने पृथ्वीराज को डिंगल का हेरोंस कहा है, तो ये भी पूछ लिया जाएगा कि डिंगल का हेरोंस किसे कहा जाता है, तो पृथ्वीराज राठौड़ को किसने कहा है, LP टेस्टी तोरी ने कहा है, तो LP टेस्टी तोरी ने किसको डिंगल का हेरोंस कहा है, तो पृथ्वीराज को कहा है, ठीक है। इसके अलावा देखो फिर करण सिंह की उपाधि, ठीक है, करण सिंह आ जाता है, करण सिंह को जो अपन जांगलधर बादशाह कहते हैं, ये तो सभी को पता होगा कि करण सिंह को जो है वो जांगलधर बादशाह की उपाधि का है। इनकी बुक्स है साहित्य कल्पद्रुम। देखिए आप ऐसे करना, जब भी शॉर्ट नोट्स बनाओ तो एक बार जैसे याद हो जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर आपको याद नहीं होते हैं तो आप जो है बुक्स को एक तरफ लिखें सबको और उनके राजा का नाम आगे लिखें, और फिर एक बार बुक को पढ़े, एक बार राजा का नाम पढ़े, फिर एक बार राजा का नाम पढ़े, और इनको छुपा के वैसे याद करने की कोशिश करेंगे तो आपका कन्फ्यूज़न दूर होगा सारी की सारी किताबों को। एक देखो मैं किताबें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किताबें ही ज़्यादा पूछी जाती है आजकल, किताबें हुई, उपाधियाँ हुई, इन्हों की कोई ऐसी इन्होंने कुछ ऐसा काम किया है वही पूछा जाता है, युद्ध वगैरह और ऐसी फालतू चीज़ें आजकल नहीं पूछी जा रही है, साहित्य से जोड़ के जो है इनकी रचनाएं वगैरह या कोई किला महल मंदिर कुछ ऐसी चीज़ें बनाई वो ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। तो देखो, ठीक है, करण सिंह की उपाधि है साहित्य कल्पद्रुम, ठीक है। फिर अनूप सिंह आ जाता है जिसे दक्षिण, हाँ, अनूप सिंह को जो है वो दक्षिण भारत जीतने के बाद में औरंगजेब ने माही मरातिब की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन अभी शायद पीछे किसी में पूछा था वीडियो या पता नहीं किसके अंदर, तो लगभग अधिकतर मतलब 70-80% बच्चों का ये क्वेश्चन ही गलत हो गया था कि अनूप सिंह को कौन सी उपाधि दी थी, शायद ऐसे पूछा था कि हाँ कि औरंगजेब ने अनूप सिंह को कौन सी उपाधि दी थी, तो माही मरातिब, ठीक है, माही मरातिब की उपाधि दी थी। और उसके बाद में तभी CET या पता नहीं किसी एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि किस राजा को औरंगजेब ने माही मरातिब की उपाधि किस राजा को दी थी, तो अनूप सिंह को दी थी। तो दोनों ही क्वेश्चन पूछ लिए हैं, तो आप ये भी याद रखिए कि किसने दी थी, तो औरंगजेब ने दी थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर अनूप सिंह ने जो है वो सरस्वती भंडारण पुस्तकालय का वो बीकानेर के अंदर है, तो पूछ लिया जाएगा कि सरस्वती भंडारण पुस्तकालय कहाँ है, बीकानेर में, किसने बनवाया था, तो अनूप सिंह ने बनाया था। अनूप सिंह की बुक कौन कौन सी है, तो काम प्रबोध श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि, काम प्रबोध श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि, अनुपोध्यय, जो कि गीत गोविंद के ऊपर टिका है, तो अनुपोध्यय, काम प्रबोध श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि, अनुपोध्यय, ठीक है। और इन्होंने जो है वो गीता का राजस्थानी में अनुवाद करवाया था, तो ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कि आप याद रखें कि गीता का राजस्थानी में अनुवाद किसने करवाया था, तो अनूप सिंह ने करवाया था, जिसे आनंद राम द्वारा किया गया था, ठीक है, किसने किया था, तो उसे आनंद राम ने किया था। इसके अलावा 33 करोड़ देवी देवताओं का 33 करोड़ देवी देवताओं का जो वो मंदिर है वो भी इन्होंने ही इसका निर्माण करवाया था, तो पूछेगा 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ पर है, तो बीकानेर में है, किसने निर्माण करवाया था, तो अनूप सिंह ने निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, शायद ये वाला पूछा था 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर है, तो देखो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, मंदिर और साल का मतलब होता है बड़ा कमरा, या फिर साल जो गाँव में होती है ना, मतलब तो बड़ा कमरा उसे हम साल बोलते हैं, और मंदिर तो आपको पता ही है कौन सा होता है, तो साल तो है जोधपुर में, क्योंकि जोधपुर आप ऐसे देखिए जोधपुर बड़ा राज्य है बीकानेर से, तो बड़ा राज्य है, तो बड़ा राज्य के अंदर कमरा बड़ा होगा, तो साल का मतलब बड़ा कमरा ही होता है, तो 33 करोड़ देवी देवताओं के साल तो जोधपुर मंडोर में है और मंदिर बीकानेर में है, तो बीकानेर वाले मंदिर अनूप सिंह ने बनवाया था। फिर अनूप सिंह के समय जो है वो उस्ता कला लोकप्रिय हुई थी। फिर सूरत सिंह आ जाता है, हाँ, तो देखो सूरत सिंह इसने जो है भटनेर किले पर अधिकार कर लिया था, और उस दिन मंगलवार का दिन था, इसलिए जो है हनुमानगढ़ का नाम जो है वो हनुमान जी के नाम पर रख दिया था। तो सूरत सिंह पहले मतलब हनुमानगढ़ का नाम भटनेर था, तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि भटनेर किले पर किसने अधिकार कर लिया था, तो सूरत सिंह ने अधिकार कर लिया था और इसका नाम चेंज करके हनुमानगढ़ कर दिया था।
फिर यहाँ पे हाँ 1814 के अंदर चूरू पर आक्रमण कर दिया था। तो देखो सूरत सिंह ने 1814 के अंदर चूरू पर आक्रमण कर दिया था, तभी जो है वो चांदी के गोले चले थे, और चांदी के गोले किसने चलाए थे तो सियोजी सिंह ने चलाए थे, क्योंकि इसके अंदर सूरत और एस से सूरत और एस से सियोजी है ना, और देखो जैसे चूरू जैसे 14, तो ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना, ऐसे थोड़ा सा वो करोगे ना तो वैसे याद हो जाएगी। तो देखो सूरत सिंह, सियोजी सिंह और चूरू के अंदर 1814 के अंदर चांदी के गोले सियोजी सिंह ने चलाए थे, ठीक है। फिर 1818 के अंदर संधि हो जाती है, तो सूरत सिंह ने 1818 में संधि कर ली थी। तो बीकानेर में किसने संधि करी थी, इसने करी थी, मारवाड़ में किसने करी थी, मेवाड़ में किसने करी थी, वो आप याद करें, एक बार दोहराएं कि किसने याद की थी, और याद नहीं है तो लिख के एक बार याद कर ले। फिर दो बार थॉमस ने आक्रमण कर लिया था यहाँ पर, ठीक है। फिर रतन सिंह ने 1837 के अंदर कन्यावत पर रोक लगाई, ये रतन सिंह था, इसने 1837 के अंदर कन्यावत पर रोक लगाई थी जैसलमेर, ये तो चलो इतना खास है नहीं। फिर एक ये युद्ध है, अगर याद रखो तो रख लेना, बासण पीर का युद्ध 1829 में हुआ था। तो ये मैंने इसलिए इसमें डाला है क्योंकि ये अंतिम रियासती युद्ध था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बासण पीर का युद्ध अंतिम रियासती युद्ध था, क्योंकि आपको पता है 1818 के अंदर जो है अंग्रेज़ लगभग सभी राज्यों के साथ में संधि कर रहे थे, उसके बाद में अंग्रेज़ अगर कोई भी लड़ाई होती है तो ये अंग्रेज़ लड़ते थे ना कि राजा, तो जब दोनों तरफ अंग्रेज़ अंग्रेज़ है तो वो आपस में क्यों ही लड़ेंगे, तो वो लगभग युद्ध बंद हो गए थे। पर फिर भी जो बासण पीर का युद्ध था ये संधि के बाद में भी हो गया था, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आप हो सके तो याद कर लेना, बासण पीर का युद्ध 1829 में, बस इतना सा याद रखना कि 1818 की संधि के बाद हुआ था ये बासण पीर का युद्ध जो था अंतिम रियासती युद्ध। तो ये संग्राम सिंह और गज सिंह के मध्य, जैसलमेर का जो गज सिंह था और रतन सिंह जो कि बीकानेर का था, इनके मध्य हुआ था, तो जैसलमेर बीकानेर के मध्य हुआ था। तो कोई पूछ लेगा कि अंतिम रियासती युद्ध किन दो रियासतों के बीच में होता, तो जैसलमेर और बीकानेर, ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े रियासतों से तो लगभग खत्म हो ही गया था, ठीक है। और फिर एक ये याद रख लेना, दयालदास की, हाँ दयालदास की ख्याति, दयालदास ने जो है वो बीकानेर राठौड़ों की ख्याति लिखी, जो कि अंतिम राजस्थान की ख्याति, पहली तो वो नैणसी वाली थी, और ये अंतिम जो रियासत अंतिम जो थी वो कौन सी थी, तो दयालदास की ख्याति, ठीक है। तो बीकानेर राठौड़ों की ख्याति लिखी थी इन्होंने, जो कि अंतिम ख्याति थी राजस्थान की, तो राजस्थान की अंतिम प्रथम और अंतिम रियासत याद कर लेना। फिर गंगा सिंह जो था, इसे हम राजस्थान का भागीरथ कहते हैं, क्योंकि वो गंगा नहर वगैरह इसी के समय निकली थी, तो इसलिए इसे हम राजस्थान का भागीरथ कहते हैं, क्योंकि भागीरथ जो थे उन्होंने भी जो है वो नहर पानी के सुविधाओं से रिलेटेड काफ़ी प्रयास किए थे, तो इसीलिए इनको जो है राजस्थान का भागीरथ कहते हैं, इन्होंने भी काफ़ी अच्छे प्रयास किए थे। और बक्सर विद्रोह को जो है इन्होंने ही दबाया था, तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा कि बक्सर विद्रोह को किसने दबाया था, तो ये गंगा सिंह ने दबाया था। फिर अकाल राहत कार्यों के लिए अंग्रेज़ों ने इसे जो है केसरे हिंद की उपाधि दी थी, तो पूछेगा कि गंगा सिंह को केसरे हिंद की उपाधि किसने दी थी और क्यों दी थी, तो अंग्रेजों ने दी थी और अकाल राहत कार्यों के लिए दी थी। फिर 1913 के अंदर प्रजा प्रतिनिधि सभा इन्होंने गंगा सिंह ने जो है वो स्थापित की थी, तो प्रजा प्रतिनिधि सभा जो गंगा सिंह ने 1913 के अंदर स्थापित की थी, और ऊँटों की जो सेना थी और उसे रसाला कहते हैं, तो ऊँटों की सेना जो है वो गंगा सिंह ही लेके आया था, तो ऊँटों की सेना जिसे हम रसाला कहते हैं, तो ये भी गंगा इसमें लिखा हुआ नहीं है रसाला, तो वो आप लिख लेना, उस गंगा सिंह ही लेके आया था। और अंग्रेज़ों को इन्होंने जो एक रोम नोट लिखा था, ठीक है, तो अंग्रेज़ों को रोम नोट किसने लिखा था, तो ये गंगा सिंह ने लिखा था, ठीक है, तो ये भी याद रखना। और इसके अलावा एक चीज़ बता देता हूँ कि जो ये ऊपर रह गया फैक्ट, तो देखो बीकानेर और मेवाड़ के अंदर दो सिक्के चलते थे, तो मेवाड़ में जो सिक्के चलते थे उन सिक्कों के ऊपर लिखा हुआ था दोस्ती लंदन, और बीकानेर के ऊपर लिखा, बीकानेर राज्य में जो सिक्के चलते थे वहाँ पर लिखा हुआ था कि विक्टोरिया एम्पायर, तो बीकानेर वाले कहते थे कि विक्टोरिया एम्पायर इन्होंने लिखवा दिया था, और मेवाड़ वाले कहते थे कि भाई हमारे तो दोस्ती लंदन तक है, तो ये आप याद रखना, विक्टोरिया एम्पायर्स और दोस्ती लंदन कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ था। तो इसी तरह से फिर से 15 मिनट में लगभग अपन ने लगभग बीकानेर भी पढ़ लिया है, तो तीन बड़ी बड़ी रियासतें लगभग हो गई है, ठीक है। अब जो है देखो चौहानों का इतिहास, ये लगभग चौहान भी काफ़ी जगह पर फैले हुए थे, तो सभी को हम लगभग फटाफट से पढ़ लेते हैं। तो देखो
सांबर के अंदर जो है वो 551 ईस्वी के अंदर जो वासुदेव सांबर के चौहानों का संस्थापक था, और रणथंबोर के अंदर सवाई माधोपुर रणथंबोर के अंदर जो गोविंद था, ये 1194 के अंदर गोविंद ने जो है रणथंबोर में चौहानों की स्थापना की थी। तो कोई पूछ लेगा कि प्रथम शासक कौन था या किसने चौहानों को बसाया या जो भी है, तो वो आप देख लेना, रणथंबोर में जो गोविंद था, सांबर में जो वासुदेव चौहान था, और नाडोल में जो था लक्ष्मण था, ये 960 के अंदर था। तो 960 के अंदर लक्ष्मण ने जो है वो नाडोल में शाखा चौहानों की शाखा स्थापित की थी। फिर जालोर के अंदर जो है वो कीर्तिपाल था, जो कि 1182 में था। सिरोही के अंदर लुम्बा देवड़ा था, तो सिरोही में लुम्बा देवड़ा था। बूंदी के अंदर देवा था। तो ये दो तीन आप याद रखना, एक तो देखो नाडोल वाला लक्ष्मण, एक गोविंद, रणथंबोर वाला गोविंद, और जालोर वाला कीर्तिपाल तो लगभग सभी को याद ही है। तो सिरोही वाला लुम्बा देवड़ा याद कर लेना, और एक बूंदी वाला जो है वो देवा याद कर लेना आप, ठीक है। इसमें डेट याद करने की ज़रूरत आपको एक तो सांबर वाले वासुदेव की है और एक नाडोल वाले लक्ष्मण की है, बाकी तो ठीक है। फिर जो वासुदेव शाह जो इनका संस्थापक था, ठीक है, 551 के अंदर, और ये नागभट सेकंड के अधीन कार्य करता था। तो पूछेगा कि चौहान जो थे प्राथमिक चौहान किसके अधीन कार्य करते थे, तो वो नागभट सेकंड के अधीन कार्य करते थे। जो गुहक था, गुहक जो है वो चौहानों का प्रथम स्वतंत्र राजा था। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार कि चौहानों का प्रथम स्वतंत्र राजा कौन सा था, तो गुहक था। तो गुहक चौहानों का प्रथम स्वतंत्र राजा था। तो विग्रहराज सेकंड, इसने जो है आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था, जो कि भड़ोंच के अंदर है। तो ये पूछेगा कि आशापुरा माता का मंदिर कहाँ है, तो सीधा जगह का नाम पूछ लेगा, भड़ोंच के अंदर। तो आशापुरा माता का मंदिर भड़ोंच में है, जो कि विग्रहराज सेकंड ने बनवाया था। नाम में कन्फ्यूजन मत होना, विग्रहराज सेकंड ने बनवाया था, क्योंकि विग्रहराज फोर ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बट विग्रहराज सेकंड की एक ही बात याद रखनी, आशापुरा माता। फिर गोविंद थर्ड, इसकी उपाधि थी वेरी घट। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है, और बहुत ही सभी लोगों का लगभग गलत ही होता है कि वेरी घट किसकी उपाधि है, तो ये गोविंद थर्ड की उपाधि है। ये भी थर्ड भी ऑप्शन याद रखना, गोविंद थर्ड की उपाधि है वेरी घट, तो ये याद रखना। फिर अजयराज जो था वो 1113 में अजमेर की स्थापना करता है। तो ये डेट और ये तो सबको याद ही है लगभग, ये तो नॉर्मल से क्वेश्चन हो गया आजकल। अजयराज जो था वो 1113 में अजमेर की स्थापना करता है, सोमलेखा के नाम के चांदी के सिक्के चलाता है। तो ये याद रखना कि सोमलेखा के नाम के चांदी के सिक्के किसने चलवाए थे, तो अजयराज ने, या सोमलेखा किस पदार्थ के सिक्के थे, तो ये चांदी के सिक्के थे, ये याद रखना। फिर अर्णोराज आ जाता है 1135 के अंदर, अर्णोराज ने जो है वो आनासागर झील बनवाई थी, जो कि एक युद्ध के स्थान को साफ करके बनाई हुई झील है, उसको मतलब पवित्र करने के लिए आनासागर झील का निर्माण कर दिया था, तो ये याद रखना। फिर इन्होंने अर्णोराज ने जो वराह मंदिर बनवाया था, और है ना, हाँ, तो अर्णोराज की हत्या किसने कर दी थी, अर्णोराज की हत्या इसके बेटे जगदेव ने कर दी थी। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अर्णोराज की हत्या किसने कर दी थी, जगदेव ने कर दी थी, या किसने अपने पिता की हत्या कर दी थी, तो ये जगदेव था, ठीक है। फिर आता है विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ का जो काल था वो दशरथ शर्मा के अनुसार स्वर्ण काल बताया गया है। चौहानों का स्वर्ण काल किसका था, तो वो दशरथ शर्मा का था। किसके द्वारा बताया गया है, तो दशरथ शर्मा। देखो दशरथ शर्मा, इसने लगभग सभी के जो है स्वर्ण काल बताए हुए हैं। तो दशरथ शर्मा ने, जैसे अपन ने देखा कि वो जेत्र सिंह का मेवाड़ में जो है स्वर्ण काल बता के गए थे, तो स्वर्ण काल बताने के काम दशरथ शर्मा वगैरह ने किए हैं। कई जगह पर टिप्पणी करने वाली बात आती है, तो लगभग जेम्स टोड उसका आंसर होता है। तो ऐसे भी आप थोड़ा बहुत याद रखें। फिर दिल्ली के अंदर जो है दिल्ली शिवालिक स्तंभ इन्होंने लगवाया था, और बिसलपुर नगर की स्थापना इन्होंने की है दिल्ली में। दिल्ली शिवालिक स्तंभ इन्होंने लगवाया है। इनकी उपाधि थी बिसलदेव कवि बंधु, ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ की उपाधि कौन सी थी, बिसलदेव और कवि बंधु, ठीक है। क्योंकि बिसलपुर बांध भी इन्होंने, विग्रहराज चतुर्थ ने बिसलपुर बांध बनाया है, ठीक है। और इनको जो है किरणहोर, मतलब विग्रहराज चतुर्थ की तुलना जो है वो किरणहोर के समान की है, ठीक है। किरणहोर ने जो है वो इसकी, हाँ, किरणहोर ने जो है वो विग्रहराज चतुर्थ की तुलना जो है वो कालिदास और भवभूत के समान की है। तो ये क्वेश्चन याद रखना कि कालिदास और भवभूत के समान किसकी तुलना की गई है, तो विग्रहराज चतुर्थ की तुलना की गई है। ये तो नहीं पूछा जाएगा कि किसने की है, किरणहोर ने की थी, किसके समान की थी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कालिदास भवभूत किस और किसकी की थी, विग्रहराज चतुर्थ की, ठीक है। तो ये याद रखना, क्योंकि ये कविताएँ वगैरह लिखता था ललित विग्रहराज, और वो कौन कौन सी थी। फिर पृथ्वीराज जो था,
फिर पृथ्वीराज थर्ड आ जाता है, जो कि चौहानों का एक महत्वपूर्ण राजा था, पृथ्वीराज थर्ड। ठीक है, ये भी 11 वर्ष की उम्र में राजा बना। इन्हों की जो संरक्षिका थी वो कर्पूरी देवी थी। कर्पूरी देवी इनकी विजयराज की ये थी संरक्षिका। और ये जो इनके जो मंत्री हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और जब भी मतलब ये देखो मैं बताता हूँ ना कि अधिकतर बच्चों के गलत होते हैं ये, मैं जैसे टेलीग्राम पे कोई क्वीज़ वगैरह चलती है ना, तो क्वीज़ वगैरह भी कौन से बड़े बड़े चैनलों पर, कि जैसे बड़े चैनल कौन से, सुभाष चरण सर वाले, कुछ ऐसे जो बड़े बड़े नामी चैनल्स हैं उनों के ऊपर जब ऐसी क्वीज़ आती है और बच्चों के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तब जाके लगता है कि ये क्वेश्चंस में बच्चों को दिक्कतें हैं, यहाँ पर बच्चे सही से नहीं पढ़ रहे हैं या कन्फ्यूज़न हो रहा है। क्योंकि देखो और मैटर तो सब टीचर्स पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इनके मंत्री थे जो कैमास और भुवनमल। ठीक है, तो ये याद रखना कि ये क्वेश्चन पूछेगा कि कैमास और भुवनमल किसके मंत्री थे। ये शायद अभी पीछे पूछा था किसी एग्ज़ाम के अंदर। और तुलुग या महोबा का युद्ध, ठीक है, तुलुग या महोबा का युद्ध जो कि 1182 में हुआ था, तुलुग या महोबा का युद्ध पृथ्वीराज और परमारदी देव चंदेल के मध्य हुआ था। ठीक है, परमारदी देव चंदेल के मध्य हुआ था। ठीक है, और परमारदी देव चंदेल के सेनापति कौन थे, आला और उदय। तो ये आप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए मैं अपनी तरफ से जितना पॉसिबल हो सकता है आप लोगों की हेल्प करता हूँ। तो आप लोग अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो प्लीज़ कुछ ही नहीं, आपके चाहने वाले 2-3 लोग जितने हैं उनको शेयर कर दे वीडियो, ताकि वो भी जो है वो चेक कर पाए। तो देखिए अब जो है वो परमारदी देव चंदेल वाला ये यहाँ पर हो गया था। परमारदी देव चंदेल के जो सेनापति थे आला और उदय, तो ये याद रखना कि आला और उदय किसके सेनापति थे, तो परमारदी देव चंदेल के थे, जो कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड से जो है वो पाहुबा ये महोबा के युद्ध के अंदर तुलुबिया महोबा के युद्ध में हार गए थे। तो फिर नागौर युद्ध, जो नागौर का युद्ध हुआ था, जो कि भीम सेकेंड जो कि गुजरात का था, है ना, गुजरात का था, इसके खिलाफ हुआ था। तो गुजरात के भीम सेकंड के खिलाफ हुआ था, जो कि इच्छिनी देवी के कारण हुआ था। तो ये जो है पृथ्वीराज और भीम सेकंड के मध्य हुआ था नागौर का द्वितीय युद्ध। इसके अंदर जो इसकी उपाधि है वो दल पोंगल है, राय पिथौरा है। तो पृथ्वीराज चौहान की उपाधि कौन कौन सी है, राय पिथौरा और दल थुम्बन, जो कि राय पिथौरा उन्होंने वो कोई किला वगैरह बनवा दिया था दिल्ली में तो उसकी वजह से है, और दल थुम्बन जो कि सेनाओं को हराने वाला तो इसलिए है। फिर तराइन का प्रथम युद्ध आपको पता ही है क्या था, 1191 में हुआ था, द्वितीय 92 के अंदर हुआ था। तो गौरी को हराया था इन्होंने, मतलब पहले में तो हरा दिया था और सेकेंड में ये हार गए थे। और जो प्रथम के अंदर जो है वो गोविंद राज तोमर ने जो है वो गौरी को घायल कर दिया था। तो ये क्वेश्चन अगर पूछ भी सकते हैं कभी कि तराइन के प्रथम युद्ध के अंदर जो है वो किस शासक ने जो है वो, या किस राजा या किस सैनिक ने, किस सेनापति ने जो है वो गौरी को घायल कर दिया था, तो वो गोविंद राज था। फिर तो जो 1192 के अंदर जो है वो गौरी जीत गया था, इसकी जानकारी हमें हसन निजामी की पुस्तक थी ताजुल मासिर, इसमें हमें जानकारी मिलती है। तो ये भी बुक आप याद रखना कि ताजुल मासिर किसकी किताब है, हसन निजामी की, हसन निजामी की ताजुल मासिर। तो ये 2-3 बार आप इनको रिपीट कीजिए, हसन निजामी, ताजुल मासिर, हसन निजामी, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। फिर रणथंभौर का इतिहास, ठीक है, रणथंभौर का इतिहास जो कि गोविंद राज ने जो है वो रणथंभौर के अंदर स्थापना कर दी थी 1194 के अंदर। और वालन जो था, जिसे मतलब ये मतलब एक क्रम था जो कि शायद एक या दो बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनका क्रम व्यवस्थित कीजिए, इसीलिए मैंने ये लाइन लिख दी है, वरना इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो याद रख सकते हो आपकी पहले गोविंद राज राजा था, उसके बाद में वाहलन, फिर प्रवाहन, उसके बाद में वीर नारायण ये था। तो ये क्रम था इनका, वाहलन, प्रवाहन, वीर नारायण। और वीर नारायण जो था वो इल्तुतमिश के समकालीन था, और इल्तुतमिश ने जो है वो वीर नारायण को जो है वो मार दिया था। तो ये पूछ सकता है कि इल्तुतमिश के समकालीन रणथंभौर में कौन सा चौहान शासक था, तो वो वीर नारायण हो जाएगा। बाकी जो वीर गति को प्राप्त हो गए थे ऐसे समझ लीजिए इल्तुतमिश के समय। फिर हम्मीर जो कि चौहानों का एक महत्वपूर्ण राजा था, हम्मीर, ठीक है। तो हम्मीर का जो है 17 में से 16 युद्धों के विजेता हम्मीर थे। तो 17 में से 16 युद्ध के विजेता कौन सा शासक था, तो वो हम्मीर था। 1292 के अंदर जलालुद्दीन ने जो है वो दो बार
यहाँ पर इसको हराया था, इसने मतलब जलालुद्दीन को 2 बार हराया था। तो हमीर ने मतलब ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है कि जलालुद्दीन ने कितनी बार रणथंभौर पर आक्रमण किए थे, तो 2 बार, और दोनों बार उसको हार का सामना करना पड़ा था। तो उसके कथन है कि ऐसे 10 किलो को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। तो ये क्वेश्चन है कि किसका है, तो जलालुद्दीन का है, किसके खिलाफ है, हमीर के खिलाफ, कहाँ पर है, रणथंभौर के किले, क्योंकि वो जीत ही नहीं पा रहा था। तो फिर उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये ऐसा कहा कि जो है मैं ऐसे 10 किलो को जो है वो मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। फिर 1301 के अंदर अलाउद्दीन का आक्रमण हो ही गया था, ठीक है। उसके समय मतलब जो 1301 के अंदर अलाउद्दीन ने जो आक्रमण किया था उसके कई सारे रीजंस थे, लेकिन उसमें से एक रीज़न ये भी था जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मतलब उसने दो सेना मतलब जो अलाउद्दीन के विद्रोही थे उनको शरण दे दी थी, तो हमीर ने शरण दे दी थी, तो उसका नाम था कहबूब मोहम्मद शाह। तो कहबूब मोहम्मद शाह को शरण देने की वजह से ही जो है वो रणथंभौर के ऊपर आक्रमण हुआ था। तो ये पूछते हैं इनके नाम की कहबूब मोहम्मद शाह की वजह से, ठीक है। तो इसीलिए वो कथन कहते हैं ना जो वो वाला, तो वो इसी के लिए है। तो फिर उसके अलावा जो इनके सेनापति थे, ठीक है, इनके जो सेनापति थे वो थे देखो नुसरत खां, उलुग खां और अलब खां, और धर्म सिंह और भीम सिंह, ठीक है। तो जो से अपने इसके अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे नुसरत खां, उलुग खां, अलब खां, तो ये तीन, जिसमें नुसरत खां मारा गया था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है कि अलाउद्दीन का कौन सा सेनापति मारा गया था, तो नुसरत खां मारा गया था। और अपने इधर हमीर की तरफ से धर्म सिंह और भीम सिंह, ठीक है। तो भीम सिंह इसमें मारा गया था, तो याद रखना भीम सिंह मारा गया था और नुसरत खां मारा गया था, और उलुग खां को जो है वो युद्ध के बाद में किला सौंप दिया गया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि रणथंभौर का किला जो है किसको सौंपा गया था, तो उलुग खां को सौंप दिया गया था। और इसके अंदर विश्वासघात वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, किसने किया था, तो ये रतिपाल और रणमन ने जो है वो विश्वासघात कर दिया था। तो रतिपाल और रणमन ने जो है वो हमीर के साथ, हमीर के यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है वो विश्वासघात कर दिया था, और इसी को जो है वो हम मतलब RPSC की प्रथम शाखा मानती है इसी को, कि RPSC के द्वारा जो है वो राजस्थान का प्रथम शाखा कौन सा है, तो यही वाला मानती है 1301 में अलाउद्दीन वाला। फिर इससे पहले शायद जैसलमेर में भी हुआ है, लेकिन प्रमाणिक इसी को मानते, इसी को आंसर माना हुआ है, तो ठीक है। अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, ठीक है। तो ये याद रखना कि ये कब कहा था, जब ये साके हुए थे और ये मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने जो रणथंभौर के ऊपर कब्जा कर लिया था, युद्ध को मतलब किले को जीत लिया था, तब ये कथन है कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, ये अमीर खुसरो के कथन है। और जो देवल दे थी ये हमीर की बेटी थी, हमीर की बेटी ने जो है एक कुंड के अंदर कूद करके आत्महत्या कर ली थी, तो उसे हम जल जौहर के नाम से जाना जाता है, जो कि एक मतलब पदम तालाब, उसका नाम था पदम तालाब, जो कि अब ये क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि पदम तालाब कहाँ पर है, तो वो रणथंभौर के अंदर है। पदम तालाब में किसने कूद के हत्या कर ली थी, तो वो देवल दे थी, और कब कर दी थी, तो 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है वो कोटी यज्ञ हुआ था, कोटी यज्ञ का आयोजन हुआ था, जो कि विश्वरूप नामक ब्राह्मण ने किया था, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो उसका वो पंडित जी जो था वो विश्वरूप था, और जैत्र सिंह की जो है 32 खंभों की छतरी रणथंभौर के अंदर है, और इसकी बुक थी हमीर की बुक थी श्रृंगार हार, ठीक है, 32 खंभों की छतरी है और श्रृंगार हार इसकी किताब का नाम है। फिर नाडोल के चौहान आ जाते हैं, तो लक्ष्मण थे, और इसने जो है आशापुरा माता का मंदिर बनवा दिया था। इसका बेटा तो जो था कीर्तिपाल, कीर्तिपाल ने जो है वो जालोर में इसकी स्थापना कर ली थी। नैणसी ने जो है वो महान राजा मतलब कीर्तिपाल को जो है महान राजा मतलब नैणसी की ख्यात के अंदर लिखा है कि कीतु एक महान राजा, तो कीतु भी जो है वो कीर्तिपाल की उपाधि है, और नैणसी ने इसको जो है महान राजा की उपाधि दी है। फिर चाचिंग देव आ जाता है, इसे चाचिंग देव जो था इसे महाराजाधिराज की उपाधि दी गई है, तो चाचिंग देव को जो है महाराजाधिराज की उपाधि दी गई है। और तो इस मतलब ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बलबन और नासिरुद्दीन महमूद किसके समकालीन थे, तो चाचिंग देव के समकालीन थे, और मतलब चाचिंग देव के समय ही जो है वो मतलब राजस्थान में, या फिर राजस्थान में क्या मतलब जालोर के ऊपर मतलब कोई भी आक्रमण नहीं हुए थे, मुस्लिम आक्रमण नहीं हुए थे, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस राजा के समय मुस्लिम आक्रमण या मुगल आक्रमण नहीं हुए थे, मतलब मुगल क्या मतलब मुस्लिम आक्रमण नहीं हुए थे, तो वो चाचिंग देव के समय एक भी जो है वो बाहरी मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ था। तो उस समय जो है वो दिल्ली के ऊपर जो है नसीरुद्दीन मोहम्मद और बलबन का शासन था, उन्होंने आक्रमण नहीं किए थे। फिर कानड़ देव आ जाता है, तो
सिवाना का आक्रमण होता है, ठीक है, कानड़ देव के समय, जो कि 1308 के अंदर होता है। और इसके अंदर जो साका सातल और सोम करते हैं, तो सिवाना का साका 1308 में सातल और सोम साका करते हैं, मेणा दे जौहर करती हैं। और इस समय जो विश्वासघात किया था वो धायल सैनिक ने किया था, तो धायल सैनिक ने जो है वो यहाँ पर 1308 के अंदर विश्वासघात कर दिया था कानड़ देव के साथ में। और जालोर का जो मतलब जालोर में, ये तो सिवाना का साका था, तो सिवाना में 1308 में हुआ था और जालोर के अंदर बाद में, तो सिवाना पड़ता है बाड़मेर में और जालोर तो जालोर में है ही, तो सिवाना बाड़मेर में पड़ता है, तो पहले वहाँ हुआ था, बाद में जालोर पे आक्रमण हुआ था, तो 1311 में हुआ था। कई बार इनके क्रम भी पूछ ले जाते हैं, चित्तौड़ वाले और ये सिवाना जालोर वाले या अलाउद्दीन खिलजी के वैसे करके। तो ये 1311 के अंदर आक्रमण हुआ था, इस समय जो वो कानड़ देव और वीरम देव ने जो है वो साका किया था, और जेतल दे ने जो है यहाँ पर जौहर किया। तो ये मतलब महिलाओं वाले नाम तो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, क्योंकि वो एक पद्मिनी वाला ही वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बाकी तो नाम नहीं पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो इनका सेनापति था वो था कमालुद्दीन गुर्ग, ठीक है, का सेनापति था कमालुद्दीन गुर्ग, और बीका दहिया ने जो है यहाँ पर विश्वासघात कर लिया था। तो देखो, तीन विश्वासघातियों के नाम यह है, बीका दहिया ने तो जालोर में किया था, सिवाना के अंदर धायल सैनिक ने किया था, और वहाँ रतिपाल और रणमल ने किया था। तो आप ऐसे याद रखेंगे, और यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें कन्फ्यूजन होता है, तो ये देख सकते हो बीका दहिया ने जो है विश्वासघात कर लिया था। और जेता देवड़ा जो कि कानड़ देव का सेनापति था, तो ये क्वेश्चन भी पूछेगा कि जेता देवड़ा किसका सेनापति था, तो ये कानड़ देव का सेनापति था। फिर यहाँ पर हम सिरोही के चौहानों की बात कर लेते हैं, तो सिरोही में जो है लुम्बा देवड़ा ने जो है वो 1311 के अंदर स्थापना की थी। तो सिरोही की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो चंद्रावती थी। तो अभी रीट मेंस के अंदर एक क्वेश्चन पूछा था कि चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, तो वो शायद वो मतलब अहि छत्रपुर नागौर थी, तो मतलब वो लगभग मतलब अजमेर वाले चौहानों की या ऐसे कुछ थी, तो वो अहि छत्रपुर नागौर थी। तो इसी तरह से आप याद रखो कि सिरोही वगैरह की या इनकी प्रारंभिक राजधानियाँ और किस राजा ने बनाई, वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस यहाँ पे हो जाता है। तो चंद्रावती जो सिरोही की राजधानी थी, फिर सहसमल ने जो है 1425 में सिरोही को राजधानी बनाया। तो ये एक इम्पोर्टेंस है कि सिरोही को राजधानी किसने बनाया, कब बनाया, 1425 में सहसमल देवड़ा ने, ठीक है, सहसमल ने कराया। फिर सुल्तान ने जो है वो दत्ताणी का युद्ध हुआ था, तो दत्ताणी का युद्ध किसके समय हुआ था, तो अकबर और सुल्तान के मध्य दत्ताणी का युद्ध हुआ था। तो ये याद रखें कि दत्ताणी का युद्ध सुल्तान और अकबर के मध्य हुआ था। तो अकबर के सेनापति कौन थे, तो रायसिंह, वही चंद्रसेन का बेटा, और जगमाल जो कि प्रताप का भाई था। तो देख सकते हो यहाँ पे रायसिंह जो कि चंद्रसेन का बेटा था, जगमाल जो कि प्रताप का भाई था, ये इनके सेनापति थे दत्ताणी वाले युद्ध के अंदर, ठीक है। शिवसिंह जो कि 1823 के अंदर अंग्रेजों से संधि कर लेता है, तो सिरोही ने सबसे लास्ट में संधि की थी, बाकी सभी राज्यों ने जो है वो 1817 और 1818 में लगभग सभी ने कर ली थी, लेकिन सिरोही ने जो है सबसे लास्ट में संधि की थी। तो शिवसिंह सिरोही और 1823, तो सिरोही अंतिम रियासत थी, ये भी पता है। फिर बूंदी के जो चौहान है, बूंदी को जो है वो बूंदी के चौहान, ठीक है, तो यहाँ पर देवा ने जो है वो 1241 के अंदर बूंदी में जेता मीणा को हराया था, और जेत्र सिंह ने बूंदी में, तो ठीक है, हाँ, तो जेत्र सिंह ने जो है कोटा को बूंदी में मिलाया था। तो ये याद रखना कि जेत्र सिंह ने कोटा को बूंदी में मिलाया था, और बरसिंह ने जो है वो तारागढ़, ये इंपॉर्टेंस है बरसिंह वाला, इसने तारागढ़ किला जो कि बूंदी में है, तारागढ़ एक अजमेर में भी है और एक तारागढ़ बूंदी में भी है, तो बूंदी वाला तारागढ़ जो बरसिंह ने बनवाया था, तो ये याद रखना, थोड़ा सा ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। और सुरजन ने जो है वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो ये तो ठीक है, इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। फिर आगे चलते हैं अपन, सुरजन ने जो है वो अधीनता स्वीकार कर ली थी, और बुद्ध सिंह ने जो है नेह तरंग किताब लिखी थी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्ध सिंह ने नेह तरंग किसकी बुक है, बुद्ध सिंह की कौन सी बुक है, नेह तरंग, ये आप एक दो बार और रिपीट करें, ये अच्छा है। फिर अमर कंवर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस अमर कंवर ने जो है वो मराठों को राखी भेजी थी, तो मल्हार राव होलकर
जो कि जिसका प्रथम बार जो है वो किसी मतलब राजस्थान की किसी राजनीति के अंदर प्रथम जो मराठों का हस्तक्षेप था वो इसी में था। तो अमर कंवर ने ही जो है वो मराठों को नोता दिया था, राखी भेजी थी। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि मराठों को राखी किसने भेजी थी, तो बूंदी की अमर कंवर ने भेजी थी, ठीक है। और 1818 में जो है वो इसमें संधि कर ही लेता है, ये बूंदी वाले 1818 में संधि कर ही लेते हैं अंग्रेजों से। फिर कोटा वाले चौहान आ जाते हैं, माधो सिंह, ठीक है। तो शाहजहाँ ने जो है वो कोटा को जो है वो स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था। तो माधो सिंह के समय बादशाह शाहजहाँ ने जो है कोटा को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था। शाहजहाँ ने बाद रफ्तार घोड़ा माधो सिंह को दिया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी हाल ही में ये क्वेश्चन पीछे किसी ने अभी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में पता नहीं किस में पूछा था कि शाहजहाँ ने बाद रफ्तार घोड़ा किसको दिया था, तो माधो सिंह को दिया था। ये याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा भी पूछा जाएगा और काफ़ी लोगों का गलत होगा क्योंकि अभी भी इसको अच्छे से किसी ने नहीं पढ़ा है। माधो सिंह जो कि शाहजहाँ ने बाद रफ्तार ये नाम भी इम्पोर्टेंट से, बाद रफ्तार घोड़ा गिफ्ट किया था माधो सिंह को। और मुकुंद खीची जो कि धर्मत एमपी के युद्ध में मारा गया था, ठीक है, धर्मत एमपी वाले युद्ध में मारा गया था। और इसने मुकुंद खीची नहीं जो है अबली मिणि का महल कोटा के अंदर बनाया है। तो ये भी याद रखना कि अबली मिणि का महल कहाँ पर है, तो ये कोटा में है। किसने बनवाया था, तो मुकुंद सिंह ने बनवाया था। तो अबली मिणि का महल कोटा में है, मुकुंद खीची ने बनवाया था, ठीक है। तो इसके अंदर दो तीन नाम जो थे वो उन्होंने नाम चेंज कर दिए थे, तो ये मतलब थोड़े से नाथ संप्रदाय से रिलेटेड थे। तो कुछ जगह के नाम वापस से एक बार अपन देख लेते हैं। तो भीम सिंह जो था इसका वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव था, तो भीम सिंह पे था वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव। तो इसने जो है कोटा का नाम नंदग्राम रख दिया था। तो ये अगर पूछ ले कभी कि मिलान कीजिए या उसमें, तो कोटा को नंदग्राम कहते हैं। शेरगढ़ जो कि बारा में है उसको हम बरसाना कहते हैं। तो शेरगढ़ बरसाना के नाम से जाना जाता है और कोटा नंदग्राम के नाम से जाना जाता है। बूंदी का नाम फरुखाबाद कर दिया था जो कि फरुखशियर से रिलेटेड था, तो बूंदी का नाम जो कि फरुखाबाद कर दिया था। फिर उम्मेद सिंह ने जो है वो 1817 में संधि कर ली थी। तो देखो, कोटा ने, किशनगढ़ ने और इन्होंने जो है 1817 में संधि कर ली थी, बाकी सभी ने 1818 में करी थी और 1823 में सिरोही ने की थी। तो तीन डेट है, 1817 में तीन ने की थी, 1818 के अंदर सभी ने कर ली थी, 1823 में सिरोही ने कर ली थी। फिर झालावाड़ आ जाता है। झालावाड़ जो था ये मदन सिंह ने जो है वो झालावाड़ को 1837 में स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था। तो मदन सिंह के समय, ठीक है, मदन सिंह के समय 1837 में स्वतंत्र झालावाड़ को अलग कर दिया था। 1838 में अंग्रेजों ने इसको मान्यता दे दी थी और ये अंतिम रियासत थी जिसको अंग्रेजों ने मान्यता दी थी, ठीक है। और यहीं पर जो है राजेंद्र सिंह ने जो है वो काष्ठ प्रसादा बनवाया था, जो कि काफ़ी बार, पता नहीं कितनी बार पूछा गया है कि काष्ठ प्रसादा कहाँ पर है, तो झालावाड़ में है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है काष्ठ प्रसादा झालावाड़ में, लेकिन अब ये कोई पूछ ले कि किसने बनवाया था काष्ठ प्रसादा, तो फिर सब किसी को भी नहीं आता इसका आंसर। लगभग बहुत ही ज़्यादा कम बच्चों को जो डीपली पढ़े हुए हैं उन्हीं को आता होगा, बाकी लगभग सबका गलत होगा। तो कैसे किसी का सही हो जाए तो अलग बात है, तो कोई कॉन्फिडेंस में नहीं रहेगा अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो सही करके आए उसकी। तो आप इसको अच्छे से याद करें, राजेंद्र सिंह काष्ठ प्रसादा का निर्माण झालावाड़ में करवाया था। और राजेंद्र सिंह ने ही जो है वो मंदिर जो थे झालावाड़ के मंदिर हरिजनों के लिए खोल दिए थे। तो ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हरिजनों के लिए जो है इन्होंने मंदिर ओपन कर दिए, क्योंकि पहले ऐसे होता था कि हरिजन वगैरह को जो मंदिर वगैरह में नहीं जाने दिया था, तो राजेंद्र सिंह ने जो है वो ओपन कर दिए थे मंदिर सभी समाज के या हरिजनों के लिए। फिर आबू के परमार वगैरह, तो आबू में जो है वो मालवा, वागड़, जालौर और, ठीक है। तो ये पूछेगा कि परमारों का आदि पुरुष, तो ये धूमराज था। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कि धूमराज जो है वो परमारों का आदि पुरुष था, धूमराज परमारों का आदि पुरुष था। और धरणी वरा ने जो नवकोटी मारवाड़ की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि धरणी वरा ने जो नवकोटी मारवाड़ की स्थापना किसने की थी, धरणी वरा ने। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया भी है पीछे, नवकोटी मारवाड़।
ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन मुझे पता कैसे चलता है कि पीछे पूछा हुआ है या नहीं पूछा हुआ है, तो इसके लिए मैं जो है पुराने पेपर्स देखता रहता हूँ, या फिर पुराने मतलब पेपर्स तो नहीं देखता हूँ, बट हाँ जो दिशा एग्जाम रिव्यू या ऐसी बुक्स आती है जिसमें पुराने क्वेश्चंस होते हैं वो मैं देखता रहता हूँ। तो उन बुक्स के अंदर मैं ऐसे क्वेश्चंस को अंडरलाइन कर लेता हूँ जो मतलब मुझसे एक बार पढ़ने में गलत हो जाते हैं या मुझे भी उसके आंसर नहीं आते हैं, तो उसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। तो आप भी पुराने क्वेश्चंस देखें, कहीं से भी देखें, किसी भी बुक से देखें, अच्छी किसी भी बुक से, तो उसको देखें एक बार, उसकी व्याख्या पढ़ें, और जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं उनको कोशिश करें कि दोबारा गलत ना हो। तो नवकोटी मारवाड़ की स्थापना धरणी बराने की थी। फिर विमल शाह ने जो है वो देलवाड़ा वाले मंदिर बनवाए थे, जो कि मतलब जो कि आदिनाथ के मंदिर, आदिनाथ भगवान को समर्पित थे। तो ये क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं कि ये आदिनाथ और ऋषभदेव मंदिर जो कि देलवाड़ा के अंदर है ना, तो सिरोही देलवाड़ा के अंदर है ना, तो ये जैनों को समर्पित है और किसने बसाए थे, तो विमल शाह ने, इसीलिए इसका नाम विमल वसाई है। तो देलवाड़ा वाले मंदिर आदिनाथ और ऋषभ देव को समर्पित है, विमल वसाई के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि विमल शाह ने इसको बसाया था। फिर जो और अगर मतलब जेम्स टोड ने कहा है कि ताजमहल के बाद में दूसरी कोई सुंदर इमारत है तो वो देलवाड़ा के मंदिर ही है। तो ये क्वेश्चन भी कोई पूछ ले कि किसने कहा है, तो जेम्स टोड ने, मैंने कहा ना अधिकतर कथंस जो है वो ऐसे जेम्स टोड के ही हैं, तो और जो स्वर्णकाल वगैरह बताने वाले काम किए हैं वो दशरथ शर्मा ने किए हैं। तो लाहिणी जो कि लाहिणी देवी जो कि सिरोही से संबंधित है, और लाहिणी देवी ने जो सिरोही के अंदर सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। लाहिणी बावड़ी की बनवाई थी, जिसे हम सरस्वती बावड़ी मतलब सरस्वती बावड़ी या लाहिणी बावड़ी के नाम से जानते हैं, जो कि लाहिणी देवी ने बनवाई थी, सिरोही के अंदर है। ये क्वेश्चन भी अभी पूछा है कि मतलब लाहिणी बावड़ी कहाँ पर है, तो सिरोही में है, और सर्वाधिक सूर्य मंदिर जो है वो भी सिरोही में ही है। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखना, सूर्य नगरी जो है वो जोधपुर को कहते हैं, लेकिन सर्वाधिक सूर्य मंदिर जो है वो सिरोही में है, और सर्वाधिक सूर्य मंदिर सिरोही में है, लेकिन सूर्य मंदिर जो कि झालावाड़ में है, शीतलेश्वर भगवान का झालावाड़ में, जो कि तिथि युक्त मंदिर है। तो वो तीनों क्वेश्चन अलग अलग है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये शायद लाहिणी बावड़ी सबसे प्राचीन बावड़ी भी मानी जाती है, कि सबसे प्राचीन बावड़ी राजस्थान की जो कि लाहिणी बावड़ी है, सरस्वती बावड़ी है, जो कि लाहिणी देवी ने सिरोही में स्थापित की थी। फिर विक्रमदेव जिनकी उपाधि थी महामंडलेश्वर, तो विक्रमदेव की उपाधि थी महामंडलेश्वर, महामंडलेश्वर किसकी उपाधि थी, तो विक्रमदेव की हो जाएगी, जो कि धारावर्ष, ठीक है, धारावर्ष आ जाता है, जब धारावर्ष ने जो है वो कांद्रा के जो काइंद्रा का युद्ध हुआ था 1178 के अंदर, जो कि गोरी और मूलराज सेकंड के समय हुआ था, तो ये धारावर्ष जो है इसने काइंद्रा के युद्ध में भाग लिया था, जो कि कहाँ का था, ये कि देवड़ा यहाँ का था। तो ये आप याद रखना, आप मतलब परमार्थ है ये, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन इसमें सम्मिलित नहीं थे, तो फिर यहाँ पर इसका नाम आता है धारावर्ष का, तो ये सम्मिलित था, याद रखना 1178 के अंदर जो कि काइंद्रा का युद्ध हुआ था, जो कि एक नायिका देवी ने इसके अंदर मूल रूल मतलब मूलराज सेकंड जो था वो थोड़ा बच्चा था, तो नायिका देवी ने इसका पूरा वो संभाला था और बहुत अच्छी तरह से मतलब गौरी को जो है बहुत बुरा हराया था, जिसके बाद में दोबारा उसने आने की हिम्मत ही नहीं की थी, और 1191 के अंदर फिर वो तराइन वाले युद्धों में आया था। तो नायिका देवी इसके अंदर थी, मूलराज सेकंड था, और इसके अंदर कौन कौन शामिल थे वो यहाँ पर देख लीजिए, नाडोल का जो कैलण था, नाडोल का कैलण था, जालोर का कीर्तिपाल था, आबू से धारावर्ष था, ये जो अपन पढ़ रहे हैं ऊपर धारावर्ष, तो ये देख सकते हो यहाँ पे धारावर्ष जो कि आबू से था, कीर्तिपाल जो कि जालोर से था, और कैलण जो कि नाडोल से था, तो ये सब के सब इस युद्ध में सम्मिलित थे, और इन सब ने मिलकर जो है गौरी को हराया था, तो इन्होंने गठबंधन किया था, और बहुत ही अच्छा युद्ध है, आप एक बार पढ़ना। और धारावर्ष जो था वो एक तीर से तीन भैंसे छेद देता था, तो ये क्वेश्चन भी कभी पूछ सकता है कि वह कौन सा आबू का वह कौन सा शासक था जो कि एक तीर से तीन भैंसों को भेद देता था, तो धारावर्ष का नाम आ जाएगा कि एक तीर से तीन भैंसों को धारावर्ष जो है वो भेद देता था, ठीक है। फिर हाँ, और अचलगढ़ में जो है वो धारावर्ष की मूर्ति स्थापित है, अचलगढ़ सिरोही में धारावर्ष की मूर्ति लगी हुई है, तो कोई पूछ ले कि धारावर्ष की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है, तो अचलगढ़ सिरोही के अंदर है। फिर उसके बाद में सोम सिंह जो कि सोम सिंह के दरबारी जो जो मतलब वास्तुपाल तेजपाल है ना, सोम सिंह ने जो है वो नेमीनाथ या लूण वसाई देवरानी जेठानी वाले वो सब इन्होंने किए थे, ठीक है। फिर यहाँ पे वागड़ के परमार आ गए हैं, इसमें तो कुछ है नहीं, वागड़ के परमारों की राजधानी थी अर्थूना थी, और डंबर सिंह ने जो है कि स्थापना की थी वागड़ के परमारों की मतलब अर्थूना राजधानी, तो मतलब ये तो वागड़ की राजधानी पूछ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो अर्थूना थी, और मंडोर के परमार, ठीक है, तो ये मंडोर के परमार और देख लीजिए,
फिर आमेर के इतिहास अपन पढ़ेंगे। हाँ, तो हरिश्चंद्र जो कि मंडोर के परमारों का मूल पुरुष था, जिसे जो वेदों का ज्ञाता था, हरिश्चंद्र जो था वो वेदों का ज्ञाता था। तो कोई पूछेगा कि वेदों का ज्ञाता कौन था, तो हरिश्चंद्र था, या वेदों का ज्ञाता के रूप में किसे जाना जाता है, तो मंडोर के परमार हरिश्चंद्र को जाना जाता है। इसकी उपाधि थी रोहिल लिद्दी। तो ये कुछ थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि रोहिल लिद्दी किसकी उपाधि थी। रोह लिद्दी जो थी वो हरिश्चंद्र की उपाधि थी, जो कि योग क्रिया में निपुण था, इसलिए इसको ये उपाधि दी गई थी। ठीक है, हाँ, तो रोहिलिद्दी हरिश्चंद्र की उपाधि थी, जो कि योग क्रिया की वजह से दी गई थी। रज्जिल जो कि मंडोर का पहला राजा था, नरभट्ट इसकी उपाधि थी, पहला पेली नरभट्ट की उपाधि थी पहला पेली। और नागभट्ट मंडोर से नागौर को अपनी राजधानी बनाता है, तो नागभट्ट का याद रखना कि मंडोर से नागौर अपनी राजधानी बनाता है, मतलब चेंज कर लेता है, इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि मंडोर से नागौर राजधानी जाती है, इसलिए नागभट्ट का नाम है। बाउक जो था, बाउक ने जो है बाउक प्रशस्ति लिखी है। बाउक प्रशस्ति की डेट कई बार पूछ ली जाती है, तो 1837 थी बाउक, 837 थी सॉरी, बाउक प्रशस्ति जो थी वो 837 थी बाउक प्रशस्ति, है ना। इसमें मंडोर की जितने भी प्रतिहार थे उनकी जानकारी जो है वो उसी से मिलती है हमें। फिर यहाँ पर देखो, हमारा मतलब मोटा मोटी एक ही बचा है आमेर का, ठीक है, लगभग उसके बाद में थोड़ा सा अलवर वाला बचा है और बाकी कंप्लीट हमारा हो गया है। ये 8 पेज की PDF है। फर्स्ट टाइम आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, सेकंड या था मतलब आप इसको स्पीड में भी देख सकते हो अगर आपको स्पीड थोड़ी सी स्लो लग रही है तो, बट आप ये मानिए कि 1.5 से 2 घंटे के अंदर लगभग आपको पूरी कंप्लीट ये यहाँ पर ये वाला पूरा की पूरा हो जाएगा। आप इसको दिन में एक बार भी सुनोगे तो लगभग आप इसको 5-7 बार सुन के चले जाना, आपको हिस्ट्री में लगभग दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि बाकी तो आपका पढ़ा हुआ होता ही है। ठीक है, तो अब हम आमेर का इतिहास शुरू कर देते हैं। देखो, धूले राय जो जिसका वास्तविक नाम था तेजकरण, तो ये भी पूछ लिया जाता है कि धूले राय इसका वास्तविक नाम तेजकरण था। दौसा पर इसने अधिकार कर लिया था, रामगढ़ में जो इन्होंने जमवाई माता की स्थापना की थी, जो कि जयपुर वालों की मतलब यहाँ की कुल देवियाँ हैं जो कि कछुआओं की। तो आमेर का इतिहास में कछुआओं का शासक था यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर और अंबिका मंदिर का, अंबिकेश्वर मंदिर का निर्माण हो गया था यहाँ पर। फिर भारमल, हाँ तो यहाँ से इम्पोर्टेंट है, भारमल 1562 में अकबर की अधीनता स्वीकार करता है। डेट भी याद रखना, नाम भी याद रखना। राजस्थान का पहला राजा था जिसने मुगलों से अधीनता स्वीकार की थी, उसका नाम है भारमल। 1562 के अंदर अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला भारमल प्रथम राजा था, और जिसने हरखाबाई का विवाह करा था। ठीक है, हरखाबाई नाम याद रखना, हरखाबाई का विवाह हुआ था अकबर के साथ, ना कि जोधाबाई का, जोधाबाई का शाहजहाँ के साथ हुआ था। तो हरखाबाई का विवाह, जो कि जिसकी उपाधि थी मरियम उज्जमानी, ठीक है, उसकी थी जगत गोसाई, इसकी है मरियम उज्जमानी। तो याद रखना, हरखाबाई की उपाधि कौन सी थी, मरियम उज्जमानी, हरखाबाई की उपाधि मरियम उज्जमानी। ठीक है, तो इसके अंदर मजनू खां व चतगई खां की मदद से ये विवाह हुआ था। तो मजनू खां या चतगई खां जो इसमें बिचौलिए का काम कर रहे थे, मजनू खां व चतगई खां की मदद से जो है वो हरखाबाई का विवाह अकबर के साथ में हुआ था 1562 के अंदर, सांबर के अंदर हुआ था। भगवान दास, ठीक है, पहले भारमल फिर भगवान दास अकबर ने मतलब भगवान दास को जो है अकबर ने नंगाड़ा वे झंडा मतलब दिया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अकबर ने जो है वो किसको नंगाड़ा वे झंडा दिया था, तो भगवान दास को दिया था। फिर ठीक है, फिर आती है मानबाई, जो कि भगवान दास की बेटी थी। मानबाई की शादी जहांगीर से हुई थी, जिसे हम शाह बेगम कहते हैं। तो भगवान दास की बेटी मानबाई की शादी जहांगीर से, जिसे हम शाह बेगम कहते हैं। फिर मानसिंह, ठीक है, मानसिंह जो कि बंगाल में अकबर का मतलब बंगाल में अकबर ने अगर बसाया था, तो ये क्वेश्चन तो मतलब मानसिंह ने ही लगभग इसके बाहर वाले आक्रमणों को संभाला था। और इनकी इष्ट देवी जो थी, शीला माता का मंदिर इन्होंने बनवाया था, मानसिंह ने इष्ट देवी थी। ठीक है, वृंदावन में इन्होंने राधा गोविंद का मंदिर बनवाया था, आमेर के किला बनवाया था। कनकावती ने जो है आमेर के किले में जो है जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया था, जो कि जगत सिंह की याद में बनवाया था। तो ये क्वेश्चन तो सबको आते हैं। इनकी उपाधि थी मिर्जा राजा, जो कि अकबर ने दी थी। फरजंद जो कि अकबर ने दी थी, हाँ, तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है कि फरजंद किसकी उपाधि थी, तो मानसिंह की थी। और किसने दी थी, तो अकबर ने दी थी। मिर्जा राजा भी अकबर ने ही इनको उपाधि दी थी। ठीक है, मिर्जा राजा जयसिंह का सर्वाधिक मतलब मिर्जा राजा जयसिंह वो था जिसका सर्वाधिक लंबा शासनकाल रहा है। तो पूछ ले कि
आमिर के कछुआओं में सर्वाधिक शासन काल किसका रहा है? तो वो जयसिंह का रहा है, सर्वाधिक शासन काल जयसिंह का रहा है, ठीक है। और शाहजहाँ को, मतलब शाहजहाँ को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? तो मतलब जयसिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? तो शाहजहाँ ने दी थी। तो ये भी याद रखना कि मानसिंह को तो अकबर ने दी थी, और शाहजहाँ को जो है वो, मतलब जयसिंह को जो है वो शाहजहाँ ने दी थी। तो शाहजहाँ ने मिर्जा की उपाधि जयसिंह को दी थी, ठीक है। और जयसिंह जो है वो इसने शिवाजी को हराता है। तो एकमात्र ऐसा सेनापति था मुगलों का जिसने शिवाजी को हरा दिया था। तो शिवाजी को हमारे जयसिंह ने ही हराया था, बाकी मुगलों की इतनी नहीं थी जो वो शिवाजी को हरा दे। फिर पुरंदर की संधि जो कि शिवाजी के साथ में हुई थी, तो शिवाजी और जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य, क्योंकि जयसिंह भी सवाई अलग है, मिर्जा अलग है, तो जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि होती है, जो कि 11 जून 1965 को होती है। तो पुरंदर की संधि वाली डेट भी करीब 1965 पूछ ली जाती है। तो ये जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी, और ठीक है। और आमेर जो है वो, आमेर में जो है जयसिंह ने जो जयगढ़ किले का निर्माण करवाया था, जिसे चील का टीला कहते हैं। जयबाण तोप वगैरह वो सब आपको पता ही है, तोप बनाने का कारखाना वो सब यहीं है। तो सवाई जयसिंह, ठीक है। तो इसको सवाई जयसिंह को औरंगजेब ने दी थी, और मिर्जा जयसिंह को शाहजहाँ ने दी थी, और सवाई जयसिंह को औरंगजेब ने दी थी। तो ये क्वेश्चन याद रखना, मानसिंह को अकबर ने दी थी, तीनों अलग अलग है। और सवाई जयसिंह सात मुगल बादशाह के साथ कार्य किया है ना, तो सात मुगल बादशाहों के साथ काम करने वाला सवाई जयसिंह है। और जबकि सर्वाधिक लंबा कार्यकाल अगर कोई पूछ ले, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल तो मिर्जा राजा का है, लेकिन सर्वाधिक राजाओं के साथ कार्यकाल तो ये, मतलब सर्वाधिक मुगल राजाओं के साथ कार्यकाल तो ये सवाई जयसिंह का हो जाएगा। देखो जो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको इसीलिए बता देता हूँ ताकि आपका एक बार वीडियो देखने के बाद में कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन थोड़े से दूर हो। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अपने पास जितने भी कॉलेज के ग्रुप है, कोई फ्रेंड्स के ग्रुप है, स्टडीज वाले ग्रुप है, उन ग्रुप में आप एक बार वीडियो को शेयर कर दें। उनकी इच्छा होगी तो देखेंगे, नहीं इच्छा होगी तो कोई बात नहीं, ठीक है। और वीडियो पर अगर आपको ऐसे ही मैराथन वीडियोज़ या फिर शॉर्ट वीडियोस आपको चाहिए जिसमें लगभग पूरे टॉपिक शॉर्ट्स में कवर हो जाए, वो भी स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स वाले, तो आप प्लीज़ चैनल पे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए मैं जल्दी से बोलता भी नहीं हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि देखो जिसको अच्छा लगता है वो बिना बोले ही चैनल को सब्सक्राइब कर देता है, और जिसको पसंद नहीं आता है उसको आप कितनी बार बोलो वो सब्सक्राइब नहीं करेगा। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। तो बहादुर शाह ने, जो मैंने पहले आपको नाम मेवाड़ के टाइम पे बताए थे कि जो नाम चेंज हुए थे, तो मोमिनाबाद अपन ने आमेर का नाम देखा था, तो वो बहादुर शाह ने चेंज किया था। तो कोई क्वेश्चन पूछ लेगा कि आमेर का नाम बदलकर मोमिनाबाद किसने रखा, तो ये बहादुर शाह ने रखा था, ठीक है। तो इस्लामाबाद या मोमिनाबाद इसको कहते थे। फिर 1708 वाला देबारी समझौता हो गया, देबारी युद्ध 1680 में था, देबारी समझौता 1708 में है। तो जयसिंह जो है पुनः अधिकार, ठीक है। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने जो है वो राजराजेश्वर की उपाधि दी थी। फिर गंगवाना युद्ध, ये भी इतना बड़ा नहीं है, अबेस और जोरावर सिंह और अबे सिंह के मध्य, मतलब ये तो ऐसा ही कि कोई पूछ ले कभी इनकी डेट तो इसलिए है। तो कुछ युद्ध है आप देख सकते हो यहाँ पर, गंगवाना का युद्ध 1741, पीपल सुद का युद्ध 1715, इसमें जयसिंह जीता था, ऊपर वाले में जोरावर सिंह जीता था। मंदसौर का युद्ध 1735 33, ये मुझे भी याद नहीं है एक्चुअली में ये युद्ध और ये इनकी डेट्स, बट आप चाहते हो तो देख सकते हो। हुरड़ा सम्मेलन 1735 रामपुरा के अंदर हुआ था, हुरड़ा सम्मेलन रामपुरा कोटा वाला है, सॉरी है ना, हाँ ये रामपुरा कोटा वाला है। और जयसिंह को जो है 3 बार मालवा का गवर्नर बनाया गया था, तो ये याद रखना कि मालवा का गवर्नर जयसिंह को कितनी बार बनाया गया था, 3 बार मालवा का गवर्नर 3 बार, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले। 1740 में जो है वो अश्वमेघ यज्ञ हुआ था, तो ये भी जयसिंह ने ही करवाया था, ये याद रखना है कि मतलब अश्वमेघ 1740 तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि अश्वमेघ यज्ञ किसके काल में होता, तो ये जयसिंह के काल में होता। और प्लस इसका जो मतलब यज्ञ करवाने वाला पुरोहित जो होता है, पुरोहित कौन था, तो पुंडरीक रत्नाकर,
ठीक है, पुंडरीक रत्नाकर जो है इसका वो था, और दीप सिंह कुंभणी ने जो है रथ का घोड़ा रोका था। मतलब कि क्या होता है, जब अश्वमेघ यज्ञ करवाते हैं जो कि भगवान श्री राम ने करवाया था, तो उस टाइम पे एक घोड़ा होता है, उस घोड़े को छोड़ दिया जाता है, तो जो भी उस घोड़े को पकड़ता है फिर उससे युद्ध करना पड़ता है तभी, और फिर उसका पूरा राज, मतलब जहाँ जहाँ तक घोड़ा भागता है वहाँ वहाँ तक पूरा साम्राज्य उस राजा का होता है। तो श्री राम भगवान का घोड़ा जो लव कुश ने पकड़ लिया था, उसके बाद में वो युद्ध वगैरह होता। तो ऐसे ही जो दीप सिंह कुंभाणी था वो, उसने जो है वो ये अश्वमेघ यज्ञ का, जयपुर वाले अश्वमेघ यज्ञ का जो है उन्होंने डूडाल वाले का रथ का घोड़ा पकड़ लिया था, तो फिर युद्ध हुआ था और दीप सिंह कुंभाणी को मार दिया गया था। तो और जो सवाई जय सिंह की जो उपाधियाँ हैं, उपलब्धियाँ हैं वो देख लेते हैं। जिन्होंने जयपुर की स्थापना की थी 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना की थी, इसका वास्तुकार था जो कि विद्याधर था, ये सबको पता है इसका, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि इसका ज्योतिषी कौन था। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो कोई पूछेगा कि जयपुर का ज्योतिषी कौन था, तो जेवियर डी सिल्वा। तो जयपुर का ज्योतिषी जो था वो जेवियर डी सिल्वा था। तो जयपुर को जिस ज्योतिषी ने मतलब बसाया वगैरह था, तो उसका नाम जेवियर डी सिल्वा था। जयपुर को जो है वो नौ वर्गों में बांट दिया था, इसलिए इसे नौ वर्गों के सिद्धांत वे बगदाद वे कैंटन शहर के जैसा बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन भी कोई पूछेगा कि बगदाद वे कैंटन के समरूप राजस्थान का कौन सा शहर बसा हुआ है, तो वो जयपुर है, बगदाद वे कैंटन के समरूप जो कि ये बसा हुआ है। ठीक है, बादल महल जो कि जयपुर की प्रथम इमारत मानी जाती है, बादल महल, ठीक है, बादल महल प्रथम इमारत मानी जाती है, जिसे हम शिकार गोदी भी कहते हैं, शिकार गोदी भी कहते हैं बादल महल को। ठीक है, आधुनिक शहर है जयपुर, जो कि उस टाइम पे बना था, लेकिन अभी तक भी आप देख सकते हो कितना संतुलित शहर बसा हुआ है, तो इसीलिए जयपुर को जो है वो आधुनिक शहरों की सूची में रखा गया है। इसी वजह से इसे जो है 2019 के अंदर यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, चंद्र महल जो कि सिटी पैलेस का ही एक नाम है, तो कई बच्चों को नहीं पता होता कि चंद्र महल किसका नाम है, तो सिटी पैलेस का ही उपनाम है। जैसे एक नाहरगढ़ का किला है, उसका नाम सुदर्शनगढ़ है ना, तो वो आप देख सकते हो यहाँ पे। और चंद्र महल जो कि सिटी पैलेस का नाम है, और यहाँ पर गोविंद देव जी जो कि वल्लभ संप्रदाय की एक पीठ है, और जंतर मंतर है जो कि 5 जगह पर है। ठीक है, जंतर मंतर जो कि सवाई जयसिंह ने ही बनवाए थे, जो कि 5 जगह पर है, जिसमें दिल्ली है, दिल्ली के अंदर पहला जो है जंतर मंतर दिल्ली में बना था, लेकिन सबसे बड़ा जो है जयपुर वाला जंतर मंतर है। तो ये 5 जगह पर है, इनके नाम देख लीजिए आप, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, बनारस। तो यहाँ पर बना हुआ है उज्जैन, मथुरा, बनारस। तो इसमें एक मोस्टली एक नाम आता है आगरा, तो आगरा के अंदर जंतर मंतर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तो ताजमहल है, ऐसे याद रखिए आप, आगरा में ताजमहल है तो वहाँ जंतर मंतर नहीं है। तो कई बार जो है जंतर मंतर को इसमें घुसेड़ दिया जाता है गलत करवाने के लिए क्वेश्चन, कि निम्न में से कौन सी जगह नहीं है, तो फिर बच्चे कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं मथुरा बनारस में। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। फिर 2010 में जो है जंतर मंतर को यूनेस्को में शामिल कर लिया गया था। सूरत खाना, और मतलब सूरत खाना जो था वो सामाजिक कुप्रथाओं को समाप्त करने से रिलेटेड था, और ठीक है, तो ये भी सवाई जयसिंह ने ही बनवाया था। फिर जो ईश्वरी सिंह था, इसने राजमहल का युद्ध लड़ा था, है ना, तो राजमहल वाला युद्ध ईश्वरी सिंह ने लड़ा था, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह ने। ठीक है, और फिर वो जो मतलब ईसर लाट वगैरह से कूद करके जो है उन्होंने कर्जे से परेशान होकर ईश्वरी सिंह मतलब सुसाइड किया था। तो ये क्वेश्चन भी, हाँ ये क्वेश्चन भी अच्छा है कि हाँ, तो देखो पहले ये देख लेते हैं युद्धों के बारे में। तो देखो दो युद्ध हुए थे, एक तो राजमहल का युद्ध और एक हुआ था बगरू का युद्ध। ठीक है, तो बगरू का युद्ध जो कि ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य, और राजमहल का युद्ध ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य, तो दोनों युद्ध हुए थे। और पहले युद्ध के अंदर तो ईश्वरी सिंह जीत गया था, और ईश्वरी सिंह ने जो है वो राजमहल का युद्ध जीतते ही इसरलाट की स्थापना, इसरलाट जो कि जयपुर में है, इसरलाट की स्थापना करवाई थी, जो कि राजमहल युद्ध के बाद में है। फिर 1748 के अंदर मतलब अगले ही साल बगरू में युद्ध हुआ एक, वही ईश्वरी सिंह और माधो सिंह का, इसके अंदर जो है वो माधो सिंह जीत गया था, तो ईश्वरी सिंह हार गया था। और ईश्वरी सिंह हारने की वजह से जो है उसके कर्जा वगैरह हो गया था युद्ध का, माधो सिंह ने जो है वो मराठों को बुला लिया था, और तो उन्होंने जो युद्ध का हर्जाना वगैरह ले लिया था, तो ईश्वरी सिंह ने जो इस सलाट से कूद के आत्महत्या कर ली थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। फिर देखिए माधो सिंह जो कि जयपुर का राजा बना, उसने जयपुर में मराठों का कत्लेआम करवा दिया था, क्योंकि वही युद्ध का हर्जाना वो माधो सिंह से लेते थे, तो इसीलिए उनने जो है कत्लेआम करवा दिया था। तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा कोई कि माधो सिंह ने मराठों का कत्लेआम करवाया था।
ठीक है, और मराठों को जो है काकोड़ा के युद्ध के अंदर, काकोड़ा जो कि टोंक में एक स्थान पड़ता है, वहाँ पर मराठों को हरा दिया था। फिर भटवाड़ा जो कि 12 के अंदर है, भटवाड़ा 12 के अंदर भी युद्ध हुआ था माधो सिंह और शत्रुसाल के, जो कि शत्रुसाल जो कि कोटा का था, ठीक है, और जालिम सिंह, ठीक है, तो इसके अंदर शत्रुसाल और जालिम सिंह इसके अंदर जीत गया था। शत्रुसाल का जो सेनापति था वो इसमें जालिम सिंह वगैरह था, ठीक है। और माधो सिंह ने जो है वो सवाई माधोपुर की स्थापना की थी, और मोती डूंगरी का महल जो है वो भी, और शीतला माता चाकसू वाली और मोती डूंगरी जयपुर वाला, ये भी माधो सिंह का ही बनाया हुआ है। तो एक सवाई माधोपुर वाला याद रखना, माधो सिंह से माधोपुर वाला, ठीक है। फिर प्रताप सिंह जिसने तुंगा का युद्ध हुआ था, है ना, ये प्रताप सिंह जयपुर वाला है, और इसने जो है वो तुंगा का युद्ध जो कि 1787 में था, 1787 डेट याद रखना, तुंगा का युद्ध जो कि जिसमें प्रताप सिंह और मराठों के मध्य हुआ था। क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब ये नाम भी कई लोगों को नहीं पता, प्रताप सिंह वाले मतलब तुंगा का युद्ध वाला, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि मराठा और प्रताप सिंह के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था, तुंगा का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। और एक युद्ध पाटन में हुआ था जिसमें मराठे जीत गए थे, और पहले वाले में प्रताप सिंह जीत गया था। फिर थी अजमेर का जो तारागढ़ था, ये अंग्रेजों को जो है वो विजय स्वरूप दिया था। मतलब अजमेर का जो तारागढ़ था, एक बूंदी का तारागढ़ अलग है, ये वाला अलग है ना। फिर मालपुरा टोक में ये हुआ ही था। फिर हवा महल जो थी, हवा महल का जो 1749 के अंदर स्थापना हो गई थी, ये 5 मंजिला था। 1953 इसमें झरोके हैं, 1953 झरोके हैं, 5 मंजिला है, ठीक है। तो और जो मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि व्रजनिधि नाम से कविताएं लिखता था, तो व्रजनिधि नाम से कौन कविताएं लिखता था, तो ये प्रताप सिंह लिखता था। प्रताप सिंह किसके नाम से कविताएं लिखता था, व्रजनिधि के नाम से कविताएं लिखता था। 5 मंजिला महल इसने बनवा दिया था, ठीक है। 5 मंजिला महल के अंदर जो है वो 953 झरोके थे, और इन 5 मंजिलों के नाम अलग अलग थे। तो सबसे नीचे से शुरुआत करते हैं, तो मतलब शरद रतन, शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा, तो ये ऐसे नाम थे, 5 मंजिलों के नाम है ये, शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा। तो एक दो तीन बार आप वीडियो को पोस्ट करके रिवीजन करें, इनका नाम शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा, शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा, और शरद का ही शायद प्रताप प्रताप में है, प्रताप मंजिल या इसी को कहते हैं, ठीक है। और प्रताप सिंह के जो काव्य गुरु थे वो थे गणपति भारती, तो काव्य गुरु गणपति भारती थे। तो पूछ लिया जाएगा कि गणपति भारती निम्न में से किस शासक के काव्य गुरु थे, तो ये गणपति भारती जो प्रताप के गुरु थे, ठीक है। और जयपुर की जो चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है वो प्रताप सिंह के ही काल को माना जाता है, तो जयपुर में चित्रकला का जो स्वर्णकाल माना जाता है वो इसी के प्रताप के काल को ही माना जाता है। और जयपुर में जो है वो हाँ तमाशा लोक नट्टे इनों के ही समय लोकप्रिय हुआ था। तमाशा लोक नट्टे किसके समय लोकप्रिय हुआ था, ठीक है, और जो प्रताप के समय, और बंशीधर भट्ट को जो महाराष्ट्र से लेके आए थे। तो कोई पूछेगा कि बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से निम्न में से कौन सा शासक लेके आया था, तो वो प्रताप सिंह था। और प्रताप सिंह के समय तमाशा लोक नाट्य चित्रकला सब के सब प्रसिद्ध हो गए थे, ठीक है। और जो प्रताप था वो गंधर्व बाईसी इसके टाइम पे थी, गंधर्व बाईसी जो कि मतलब जैसे अकबर का वो था ना नवरत्न, ऐसे ही गंधर्व बाईसी प्रताप की थी। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा है, गंधर्व बाईसी जिसे गुणीजन खाना, इन्होंने गुणीजन खाना का निर्माण करवाया था। फिर जगत सिंह, जगत सिंह वही गिंगोली का युद्ध जो कि 1807 में गिंगोली कृष्णा कुमारी और वो वाला था, जिसमें मान सिंह, फिर मान सिंह मतलब गिंगोली का युद्ध जो कि मान सिंह और जगत सिंह के मध्य हुआ था 1708 के अंदर। फिर 1818 में संधि का हो ही जाती है। फिर राम सिंह, ठीक है, फिर राम सिंह जो कि छोटा था, तो राम सिंह के समय जो है वो जॉन लुडलो जो मतलब जॉन लुडलो जो है राम सिंह का संरक्षक था 1857 में। और मतलब एक सेकेंड, हाँ जगत सिंह, ठीक है, फिर राम सिंह का सेनापति मतलब संरक्षक तो लुडलो था, और 1857 में राम सिंह ने जो है वो हेल्प की थी अंग्रेजों की, तो सितारे हिंद की सितारे सितार हिंद वे को सितार एक तो सितार हिंद की उपाधि दी थी। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि सितारे हिंद की उपाधि किसको मिली थी, तो राम सिंह को मिली थी। क्यों मिली थी, क्योंकि 1857 की क्रांति में इसने क्रांतिकारियों का साथ ना देकर के अंग्रेजों का साथ दी थी। साथ में कठपुतली मतलब ये जो जयपुर के पास में कोटपुतली पड़ता है, कोटपुतली की जागीर इन्हों को गिफ्ट करी थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा कि किस 1857 में अंग्रेजों की सहायता करने के उपलक्ष्य में
किस राजा को मतलब कोटपुतली जागीर गिफ्ट में दी थी, या फिर राम सिंह को कहाँ की जागीर गिफ्ट में की थी, तो ये मतलब तोहफे स्वरूप प्रदान की थी, तो ये कोटपुतली जो जागीर दी है जयपुर के पास में पड़ती है वो दी थी। ठीक है, फिर 1857 में जो है कला के क्षेत्र में इन्होंने जो मदरसा है हुनरी, ठीक है, जैसे अभी इस राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है, तो 1857 में मदरसा है हुनरी ये इन्होंने ही बनवाया था राम सिंह ने, और 1866 के अंदर कन्या विद्यालय, ठीक है ठीक है, तो ये 1866 के अंदर कन्या विद्यालय बनाया था जो कि कांति चंद्र मुखर्जी के सहयोग से बना था। ठीक है, जो कि अभी महाराजा वे और संस्कृत कॉलेज भी बने थे। 1876 में अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम बना था, जो कि 1876 में अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम भी राम सिंह के काल में बना था, जो कि इसके वास्तुकार थे जो कि स्टीबन और जैकब थे। तो कोई पूछेगा कि अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम किसके समय बना था, राम सिंह के समय, और इसके वास्तुकार कौन थे, तो स्टीबन और जैकब थे। डेट वगैरह इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये है कि हाँ किसके समय बने थे राम सिंह के, इसके जो मतलब इसके जो वास्तुकार थे वो स्टीबन और जैकब थे। ठीक है, और इसका जो इसके जो उद्घाटना करी थी वो एडवर्ड बैडफोर्ड ने की थी। ठीक है, और राम निवास बाग भी इसी के टाइम पे बना हुआ है, और ये अपना लास्ट पेज है और ये ख़त्म होने वाली है 10-15 मिनट में, 10 मिनट की लास्ट बची है। माधो सिंह सेकंड, जिसे हम बब्बर शेर के नाम से जाना जाते हैं, माधो सिंह सेकंड बब्बर शेर के नाम से जाना जाता है, जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर 5 लाख का चंदा दिया था माधो सिंह ने, तो ये तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। और हाँ, माधो सिंह ने जो है नाहरगढ़ में 9 महल बनवाए थे, तो कोई पूछेगा कि नाहरगढ़ में 9 महल किसने बनवाए थे, तो माधो सिंह ने अपनी 9 रानियों के लिए अलग अलग महल बनवाया था। ठीक है, नाहरगढ़ किले को सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है, और इसी ने जो है चंद्रव्यूह मुबारक महल का निर्माण करवाया था। ठीक है, 1904 के अंदर डाक व्यवस्था चलाई थी, जो कि पहली बार था कहीं पर भी, तो 1904 में माधो सिंह के समय डाक व्यवस्था चालू की गई थी। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है डाक व्यवस्था वाला, इसीलिए प्रशासनिक व्यवस्था वाला जो एक क्वेश्चन मतलब आता है कि राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था, वो क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि 1904 के अंदर डाक व्यवस्था किसके समय शुरू हुई थी, तो ये माधो सिंह के समय हुई थी। और मानसिंह सेकंड जो था वो आज़ादी के समय 1947 के समय राजा था, मानसिंह सेकंड जो है वो, ठीक है, और मानसिंह सेकंड ही जो है वो राजस्थान का पहला व अंतिम राज प्रमुख था। मानसिंह गायत्री देवी राजस्थान की पहली लोकसभा सदस्य थी। इन सभी का संबंध जो है जयपुर से या ढूंढाड़ से ही आता है। ठीक है, फिर अलवर प्रजामंडल, ये थोड़ा सा अलवर प्रजामंडल है, इसको भी देख लेते हैं। तो प्रताप सिंह, जिसे माचेरी का सामंत, जो प्रताप सिंह था ये माचेरी का सामंत था। ठीक है, 1774 में शाह आलम सेकेंड ने स्वतंत्र राज्य इसको स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो कोई पूछेगा कि प्रताप जो था अलवर वाला वो कहाँ का सामंत था, तो माचेरी का सामंत था प्रताप माचेरी का सामंत था। और 1774 के अंदर स्वतंत्र मतलब अलवर को स्वतंत्र कब घोषित कर दिया गया था, तो 1774 में किसने कर दिया था, शाह आलम सेकेंड ने। 1775 में अलवर पर आक्रमण हो गया था और इसको राजधानी बना दिया गया था 75 के अंदर। ठीक है, फिर 1803 के अंदर बख्तावर सिंह ने जो है वो संधि कर ली थी, 1803 में बख्तावर सिंह ने संधि कर ली थी, ठीक है, अलवर। फिर विनय सिंह जो कि, ठीक है, और विनय सिंह और बलवंत सिंह अलवर में मतलब ऐसी कौन मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपसे कि ऐसी कौन सी राजस्थान की रियासत थी जिसके अंदर एक ही समय पर दो राजा थे, तो एक ही समय पर दो राजा थे अलवर रियासत के अंदर, विनय सिंह और बलवंत सिंह। तो ये कुछ अच्छा अटपटा सा क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐड किया है कि विनय सिंह और बलवंत सिंह एक साथ दो राजा थे अलवर के अंदर, तो ये याद रखना। फिर जो विनय सिंह था, विनय सिंह ने मूसी महारानी की छतरी जो कि 80 खंभों की है अलवर के अंदर स्थापित की थी। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि मूसी महारानी की छतरी, तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया आजकल की अलवर में है, कितने खंभों की, 80 खंभों की है। ठीक है, 84 खंभों की छतरी बूंदी में है, 80 खंभों की छतरी अलवर में है, ये विनय सिंह ने बनवाई थी। ठीक है, और सिलीसैड़ी जो झील थी जिसे राजस्थान का नंदन कानन के नाम से जाना जाता है, ये भी अलवर में है, सिलीसैड़ी झील। ठीक है, ये राजस्थान का नंदन कानन के नाम से जाना जाता है। 1857 के समय विनय सिंह ही अलवर का राजा था। फिर वाल्टर जो योजना थी वो इसी के समय लगी, और 1870 में फिर अजमेर दरबार जो लगा 1857 का, वो भी इसी के समय लगा। ठीक है, और जो वाल्टर हितकारिणी सभा थी
इसके समय मतलब वाल्टर योजना के समय जो मेयो कॉलेज था, मतलब इसके 1800 वाल्टर योजना के तहत मतलब मेयो कॉलेज की स्थापना की थी 1875 में। मेयो कॉलेज का जो प्रथम विद्यार्थी था वो मंगल सिंह था, तो ये याद रखना, मंगल सिंह प्रथम विद्यार्थी था मेयो कॉलेज का, 1875 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, जिसमें जय सिंह ने, जो कि अलवर का राजा था जय सिंह, इसने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये याद रखना, क्योंकि गंगा सिंह ने तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, लेकिन जय सिंह जो था इसने एक ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 के अंदर लिया था। और चैम्बर ऑफ प्रिंस का नाम इसने बदला था, और उसका नाम बदल के इसने नरेंद्र मंडल रख दिया था। तो ये जय सिंह अलवर वाला है, वो वाले जय सिंह जयपुर वाले नहीं है, ये जय सिंह अलवर वाला है जिसने चैम्बर ऑफ प्रिंस का नाम बदल कर नरेंद्र मंडल रख दिया था और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ड्यूक ऑफ एलबर्ग के आगमन पर इसने सरिस्का महल का निर्माण करवाया था। तो कोई पूछेगा कि अलवर के अंदर सरिस्का महल का निर्माण किसने करवाया था, तो ये जय सिंह ने करवाया था। तो सरिस्का महल का निर्माण जय सिंह ने करवाया था, जबकि सिलीसेड़ी झील का निर्माण विनय सिंह ने करवाया था, ठीक है। तेज सिंह जो कि आज़ादी के समय, और तेज सिंह गांधी जी की हत्या का नाम जो है वो अलवर के तेज सिंह का नाम भी शामिल था। तो कोई पूछेगा कि भारत के स्वतंत्रता संग्रामों में से मतलब जो गांधी जी थे, गांधी जी की हत्या के आरोप में जो राजस्थान के या अलवर के किस राजा को संदिग्ध था, मतलब कि किस राजा का नाम था, तो वो है तेज सिंह हो जाएगा। तो आप याद रखना कि तेज सिंह का नाम जो है गांधी जी की हत्या के अंदर लिया गया था, ठीक है। तो ये हमारा जो लगभग पूरा की पूरा कंप्लीट हो चुका है, जितना मुझसे हो सका, या फिर जो भी मतलब 250 पेजेस की जो राजस्थान हिस्ट्री है स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी की, वो 250 पेजेस की हिस्ट्री जो है मैंने लगभग लगभग इतनी जल्दी ख़त्म, 2 घंटे से कम में भी जो है आप ख़त्म कर दी है। मतलब राजवंश वाला, मतलब सॉरी सॉरी 250 पेज नहीं, मतलब जो राजवंश वाला वो था वो मैंने ख़त्म कर दिया है। अब लगभग इसके अंदर दो चीज़ें बचेगी, दो वीडियोज़ और आएंगे, एक तो मॉडर्न वाला पार्ट और एक एशियंट वाला पार्ट, ठीक है। ये मिडाइविल वाला था, ये मैंने डाल दिया है एक, मतलब वो भी लगभग एक मतलब 2 घंटे का वो वाला मान लो, 1 घंटे का ये वाला मान लो। तो आप मतलब जो है वो 2 घंटे में कम्प्लीटली इस वीडियो को पूरा देख सकते हो, स्पीड में करोगे तो लगभग 1 सवा घंटे, मतलब 1 सवा 1.5 घंटे में भी आप इसको देख सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो बस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।